हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार आप बता दीजिए मुझे आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड में गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग कोई इशू कोई दिक्कत समस्या चले दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सुबह भी क्लास हुई थी ठीक है सुबह क्लास हुई थी बट जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी दैट वॉज द ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अगस्त ठीक है वो चौबीस अगस्त का करंट अफेयर था तो मैंने जैसा आपको बताया मैं पीछे के करंट अफेयर भी कवर करूंगा जो मैंने छोड़े हुए थे तो इसीलिए आज ये सेकंड क्लास में कर रहा हूं कोशिश रहेगी हर दिन दो या तीन दिन दो या तीन क्लास लेके ना मैं उनको कवर करने का प्रयास करूंगा तो आज के जो करंट अफेयर है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द हिंदू से उसको अभी हम बात कर लेते हैं ठीक है आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जितने बच्चे हैं दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेक श्योर sure यार आप इन चारों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ये मेरे चार चैनल हैं जैसे जोग्राफी 101 जीरो वन यूपीएससी वन जीरो वन करंट अफेयर वन जीरो वन और एनसीआरटी वन जीरो वन इन चारों चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके बाद जब भी मेरी कोई क्लास होती है ना तो आपको आप मेरे से कनेक्ट रहोगे साथ ही साथ में अगर मैं बात करूडमी ऐप तो पर भी जुड़ने के लिए होती है आपको पता चल जाएगा कोई भी स्पेशल क्लास में करता हूं आपको पता चल जाएगा कोई भी प्लस कोर्स मेरा आता है आपको पता चल जाएगा जब बात प्लस कोर्स की आती है तो मैंने कल भी एक जो है इंफॉर्मेशन वीडियो ऑडियो आपके साथ शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिस बच्चे ने नहीं सुना है यार प्लीज जाके एक बार सुन लेना मेक श्योर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो ठीक है तो जो आपको फॉर्म दिया जाए उस फॉर्म के अंदर में जो एजुकेटर का कोड आपने बताया है वो हो अगर ऐसा नहीं है तो ये 300 परसेंट फ्रॉड का केस हो सकता है और ऐसे बहुत सारे केसेस जो है मैंने देखे हैं इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और अगर आप अन अकेडमी किसी रिप्रेजेंटेटिव से कोई आपको कॉल करके कहता है कि हम अन अकेडमी से बात कर रहे हैं ऐसा 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 और वो आपको लिंक भेजें और वो लिंक में वो मेरा कोड ना हो क्योंकि आपने बता दिया और लिंक भेजने के बाद अगर मेरा कोड नहीं होता वो कोई दूसरा कोड लगाते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो आप फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ तो इस चीज में ध्यान रखना दोस्तों एंड प्लस कोर्सेज के लिए मेरा कोड याद रखना मेरा कोड है सुमित टेन सुमित टेन आप कोड यूज करोगे आपको मिलेगा टेन परसेंट डिस्काउंट और अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी ठीक है मैं खुद आपको पूरी प्रोसेस में क्या करूंगा गाइड करूंगा अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों आज छब्बीस तारीख है लास्ट डे है आज इस ऑफर का इस ऑफर की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर अनलॉक ट्वेंटी इसको बोलते हैं अनलॉक ट्वेंटी का मतलब क्या है दोस्तों आपको मिल रहा है बीस परसेंट का डिस्काउंट यहां पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहां पर अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन देखें तो इसका प्राइस अठावन बट आपका रिड्यूस होकर प्राइस हो गया छियालीस हजार ठीक मतलब है मतलब साढ़े ग्यारह हजार रुपए का डिस्काउंट है डेढ़ साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आठ सौ रुपए का है आपको चौवन हजार में मिल रहा है और तीन साल दो साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो सतर हजार का था बट आज आपको सिर्फ हजार रुपए मिल रहा है देखो टू का तो ये है ये मिल रहा है थी दो साल का इसके साथ में वन ईयर का फ्री मिल रहा है यानी कि फोर्टी सिक्स थाउजेंड का और आपको क्या मिल रहा है फ्री बिकॉज आपका सीएससी अशोर ऑफर भी है सीएससी अश्योर का मतलब क्या है कि दो साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो की तरफ से एक साल का आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा ठीक है इसी प्रकार आइकॉनिक में भी है एक साल दो साल तीन, एक साल साल दो साल दो साल के सब्सक्रिप्शन पर चौबीस हजार रुपए का डिस्काउंट है ये साथ ही साथ में जो एक साल का वाला डिस्काउंट है तिरसठ हजार रुपए का डिस्काउंट है तो मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट यहां पर आपको मिल रहा है ठीक है सो आज जैसा डिस्काउंट नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि सीएससी के तहत दो साल का लोगे एक साल का फ्री बट याद रखना है मेरे साथ जुड़ना है मेरा कोड याद रखना है आपको फिजिकल नोट्स भी आपको मिलेंगे बट आप याद रखेंगे आज के बाद फिजिकल नोट सिर्फ आइकॉनिक पे मिलेंगे प्लस के ऊपर में आपको किसी भी प्रकार के जो नोट्स हैं फिजिकल नोट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं चीज भी आपको यहां पर क्या रखनी है ध्यान रखनी है आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया बांग्लादेश की मीटिंग से ऑफ लेवल रिवर रिवर कमीशन कमीशन इसकी अड़तीसवीं बैठक हुई आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग लगभग फिफ्टी टू रिवर्स हैं बावन नदियां हैं ज्वाइंट रिवर्स हैं जो भारत और बांग्लादेश में ज्वाइंटली क्या करती हैं दोस्तों आपका फ्लो करती है अभी तक केवल सात नदी ऐसी थी जिनके ऊपर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि ठीक है भाई हम इन नदियों से रिलेटेड डेटा आपके साथ में क्या करेंगे शेयर करेंगे देखो डेटा शेयर होना बहुत जरूरी है, है, है ना तो शायद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो तो करेगा नहीं क्योंकि चाइना है ठीक है लेकिन इस तरफ जो है वो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ हम बातचीत करके इसको पटा सकते हैं कि अरे काम करते हैं बावन नदियां फिफ्टी रिवर और हम ऊपर हैं ये नीचे तो इसीलिए हम जो है इसके साथ में संपर्क कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फिफ्टी टू रिवर्स है तो शेयर करते हैं ना डेटा शेयर करते हैं और उसी के लिए दोस्तों नाइनटीन सेवेंटी टू के अंदर में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत में आपका जॉइंट रिवर कमीशन जो है बनाया गया था हालांकि इसकी आज जो ये बैठक हुई ना अतीसवीं बैठक ये बारह साल के बाद हुई है बीच बीच में टेक्निकल लेवल के ऊपर में बातचीत होती रही है फिफ्टी टू रिवर्स में से केवल और केवल सात नदियां हैं जिनका अभी तक जो है एग्रीमेंट हो रखा है दोनों देशों के बीच में कि ठीक है भाई हम डेटा शेयर करेंगे है ना एक दूसरे के साथ कि कितना पानी है फ्लड मैनेजमेंट कैसा है ठीक है कैचमेंट एरिया सेडिमेंटेशन फ्लड मैनेजमेंट एवरीथिंग एग्री है कितने पे आउट ऑफ 52 रिवर्स There are seven rivers के ऊपर में सिर्फ क्या था अभी तक जो था वो एग्रीमेंट था ठीक है सेवन रिवर्स के ऊपर में क्या था एमओ यू साइन किया हुआ है हमने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग अभी ये जो मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है इसमें आठ और नदियों पे साइन हो गया है एट मोर रिवर्स के ऊपर में साइन हो गया कुल मिलाकर अब कितनी हो गई आठ सात मेरे हिसाब से पंद्रह होता है तो पंद्रह नदियों के ऊपर में आप डेटा हो गया लेकिन अभी भी बावन नदियां बची हुई हैं फिफ्टी टू में से माइनस कर दो पंद्रह इतनी रिवर्स अभी भी बची हुई है और अगर ये सारी नदियों के ऊपर में अगर एक ज्वाइंट मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए दोनों देशों की तो इसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है इन रिवर का हम दोनों देशों के डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों के जो है विकास के लिए अच्छे से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी अच्छी बात यह है दोस्तों कि इंडिया इस बांग्ला इंडिया बांग्लादेश के इस रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो अभी अड़तीसवीं मीटिंग हुई है इसमें एक नदी पर और हमारा एग्रीमेंट अच्छे से हो गया है ठीक है फैनी रिवर के ऊपर में भी बातचीत हुई है ठीक है इसके अलावा तिस्ता नदी के ऊपर में अभी भी कोई बातचीत नहीं तिस्ता नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और भारत और बांग्लादेश के अंदर बीच में अगर सबसे बड़ा जो कंटेनियस इशू है मतलब सबसे बड़ा जो विवाद का इशू रहा है वो तिस्ता वाटर जो एग्रीमेंट है वही रहा है इसके ऊपर हालांकि कोई बातचीत हुई नहीं है और बातचीत होने की आशंका भी नहीं है क्योंकि ये सबसे मतलब एक विवादित मुद्दा है दोनों देशों के बीच में तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस <coughs> मीटिंग के अंदर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो ये ज्वाइंट रिवर मीटिंग है ज्वाइंट रिवर कमीशन है जे जो है ये बारह साल के बाद मिल रहा है दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे दोस्तों की कि कितनी और नदियां हैं क्या डेटा है और इस मीटिंग के अंदर में क्या क्या खास बात यहां पर हुई है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे सो दैट एवरीबॉडी कैन कमेंट ज्वाइन द सेशन सो so ये आज आया हुआ है देखो 26 अगस्त ठीक है 26 अगस्त को रात को दो बजे टॉपिक आया था दिल्ली ढाका डिस्कस शेयरिंग रिवर वाटर तो हमने इसको कवर किया है दोस्तों जीएस पेपर टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध तो कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश ने ना एक फाइनलाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन कर लिया है वाटर शेयरिंग का का किस कौन सी नदी का दोस्तों खुशियारा नदी का किया है कि इस नदी से संबंधित सारी डेटा जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे भारत और बांग्लादेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय खुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता जापन के पाठ को अंतिम रूप दे दिया है ठीक है यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों बांग्लादेश साइड रिक्वेस्टेड फॉर कंक्लूजन ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग तिस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी एट एन अर्ली डेट मैंने बताया दोनों देशों के बीच में एक विवादित मुद्दा है कौन सा तिस्ता वाला तो उसके ऊपर बांग्लादेश ने अभी रिक्वेस्ट की है भारत से कि यार उसको भी जल्दी से निपटा लो ठीक है वो भी बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग मुद्दा है वो भी एक बार सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी मजा आ जाएगा तो उसके ऊपर में भी यहां पर बांग्लादेश की साइड से जो है एक रिक्वेस्ट आई है साथ साथ में इंडियन साइड ने अश्योर किया है भारत ने किया है कि हम अपने एटमोस्ट एफर्ट कर रहे हैं हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि जो ये आपका तिस्ता नदी का जो एग्रीमेंट है ये जल्द से जल्द क्या हो जाए कंक्लूड हो जाए अब तिस्ता नदी का मामला फंसा हुआ क्यों है दोस्तों देखो नदी आती है किसके अंदर में दोस्तों स्टेट सब्जेक्ट में नदी किसके अंदर आती है स्टेट सब्जेक्ट और ये नदी जो है टिस्ता नदी जो है वो वेस्ट बंगाल से होके बहती है आपको पता है दोस्तों वेस्ट बंगाल खेला है वो थोड़ा सा सेंटर के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है तो रिवर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है एंड दैट्स ये शायद एग्रीमेंट जो है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर में कोई बातचीत जो है अभी तक आगे नहीं हो पा रही है लेकिन बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है कि खुशियारा हो गया बहुत अच्छी बात है खुशी खुशी में कर लिया हमने अब एक काम करते हैं तिस्ता जो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा है ठीक है तिस्ता जिसका मामला पड़ा है वह एकदम ठंडे बस्ते में है तो उसको भी कुछ गर्म करते हैं उसके ऊपर में बातचीत करते हैं और जल्द से जल्द डेट में इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं ठीक है इंडियन साइड ने भी बोल दिया ठीक है भाई ओके की रिपोर्ट कर देंगे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है क्यों चिंता कर रहे हो कर देंगे ठीक है भारत ने भी बोल दिया है अब कह रहे हैं कि जो तिस्ता रिवर है ना इट इज अ चार किलोमीटर लॉन्ग रिवर दैट राइजेज इन द दहुनरी माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम सिक्किम से, से जाती है तिस्ता नदी और इसके अलावा किस स्टेट से जाती है दोस्तों वेस्ट बंगाल तिस्ता एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो फ्लड अपने अपने रिवर कोर्स चेंज के लिए ये पहले सेटिंग थी गंगा की सेटिंग मतलब ट्रिब्यूटरी ठीक है पहले अपना ये सारा पानी ट्रिब्यूटरी जो है ये गंगा को देती थी बट बाद में इसने अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर लिया और अब ये सारा पानी किसको दे रही है ब्रह्मपुत्र को दे रही है ठीक है सो ये इसके लिए बदनाम है नदी काफी ठीक है अभी ये ब्रह्मपुत्र से इसने सेटिंग कर ली पहले इसकी सेटिंग थी किससे गंगा नदी से तो ये नदी जो है आपका ये पाउनरी माउंटेन है पूर्वी हिमालय के अंदर में वहां से निकलती है सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ये आगे बांग्लादेश के अंदर में जाती है और फाइनली ये कहां पर जाकर गिर जाती है दोस्तों बे ऑफ बंगाल के अंदर ठीक है इसको जमुना नदी कहते हैं इसको जो है तिस्ता नदी को ना इसको जमुना कहते हैं जमुना कहां पर दोस्तों आपका बी डी बांग्लादेश के अंदर में इसको ये कहते हैं तो इस पर बातचीत हुई कि कर लो यार अच्छा अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जो साइन हुआ एग्रीमेंट ये तो चलो रिक्वेस्ट की बात है उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो महाराज ऐसा कर लो ठीक है भारत ने कहा ठीक ठीक है है करेंगे अब बात करते हैं इस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के अंदर में कौन से एग्रीमेंट हुई है क्या बातें हुई हैं सो इट वाज फाइनलाइज डोरिंग दर्टी एट मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्रियल लेवल जॉइंट रिवर कमीशन तो ये जॉइंट रिवर कमीशन की अड़तीसवीं मीटिंग हुई है इसके अंदर में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ चीजें फाइनलाइज हुई है फाइनलाइज क्या हुआ है पहला इट वेलकम द फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड लोकेशन एक तो खुशियारा नदी पे बात हुई है और दूसरा जो फैनी नदी है ना फैनी नदी जो है ये नदी से कितना पानी हम निकाल सकते हैं और त्रिपुरा स्टेट को दें हमने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि काम करते हैं फैनी नदी के ऊपर में ना एक इनलेट पॉइंट बनाते हैं कलेक्शन पॉइंट बनाते हैं और वहां से कुछ पानी निकाल के त्रिपुरा को दे देते हैं उनकी इरिगेशनल नीड के लिए उनके ड्रिंकिंग वाटर नीड के लिए ये मुद्दा चल रहा था लेकिन अब जो है मुद्दा सॉल्व हो गया है ठीक है क्योंकि अभी अक्टूबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी फैनी रिवर के ऊपर में एग्रीमेंट जो है वो हो चुका था लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ था कि इनलेट कहाँ बनाना है कितना पानी निकालना है तो उसके ऊपर में भी बात हो गई है इट वेलकम द फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड लोकेशन डिजाइन कैसा होगा और लोकेशन कहाँ होगी फैनी नदी के ऊपर जो इनलेट लगाना है हमें जो पानी निकालने के लिए वो फाइनल हो गया है दोस्तों ठीक है किसके लिए ड्रिंकिंग नीड ऑफ सैबरूम टाउन इन त्रिपुरा त्रिपुरा के अंदर में जो सैबरूम टाउन है उसकी ड्रिंकिंग वाटर नीड को पूरा करने के लिए और इसके ऊपर ऑलरेडी अक्टूबर 2019 के अंदर में भारत और बांग्लादेश के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका था अभी बस उसको फाइनल शेप दी गई है बात समझे या नहीं समझे एमओ में बात हुई है पहली बात तो खुशियारा नदी पर दूसरा दोस्तों ज्वाइंट लेवल रिवर की जो आपका ज्वाइंट रिवर कमीशन की अड़तीसवीं बैठक थी बारह साल में बैठक हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है फैनी नदी पे बात हुई तिस्ता नदी पे बात हुई है ठीक है और उसके अलावा खुशियारा नदी पर बात हुई है आठ नदियों के ऊपर और बात हुई है पहले सात नदियों का डेटा शेयर करता था भारत और बांग्लादेश आपस में अब आठ नदियों का डेटा और शेयर किया जाएगा ये इस एग्रीमेंट की दोस्तों खास बात है द द डिस्कशन हेल्ड ऑन नंबर ऑफ बहुत सारे और भी का मतलब होता है द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में तो कह रहा है कि डिस्कशन वर हेल्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑन गोइंग बायलेटरल इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग वाटर शेयरिंग ऑफ द कॉमन रिवर कि भाई दोनों देशों के बीच में जो नदियां कॉमन है कैसे उसका हम पानी शेयर कर लें जो फ्लड का डेटा है बाढ़ का डेटा है वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लें साथ साथ में देख नदियों में पॉल्यूशन तो आजकल एक आम बात है तो कैसे हम पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं उसके ऊपर में बातचीत हुई है कंडक्टिंग ज्वाइंट स्टडीज ऑन सेडिमेंटेशन जो नदियों के अंदर में जमा होता है अवसाद जमा होते हैं ना वो कटाव तो करके आती है सेडिमेंटेशन तो उस पर भी बात हुई है कि सेडिमेंटेशन पे भी डेटा जो है इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है रिवर का जो किनारा है नदी का जो किनारा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिवर बैंक मैनेजमेंट करना है तो उसके ऊपर भी बात हुई तो मतलब एक डिटेल डिस्कशन हुआ है बहुत सारे बायोलिट्रल इश्यूज के ऊपर यहाँ डिस्कशन हुआ है पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है कि भैया सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं जो मुद्दे म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं मतलब दोनों देशों के हित में आते हैं जैसे मैंने बताया दोनों नदियों के बीच में जो कॉमन नदियां हैं दोनों देशों के बीच में नदियों को कैसे उसका हम पानी साझा कर ले जल का बंटवारा कैसे करें बाढ़ के आंकड़ों को हम साझा कैसे करें नदी प्रदूषण को संबोधित कैसे करें अवसाधन प्रबंधन यानी कि सेडिमेंटेशन की जो बात हो रही है दोस्तों है है ना इन सब की यहां पर बात यहां पे हुई ऑलरेडी हम सात नदियों का कर रहे थे दोस्तोंटर वर्किंग ग्रुप्लिश बाई इंडिया एंड बांग्लादेश इन इंडो बंग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉपरेशन एंड पीस ये क्या कह रहा है दोस्तों एक द्विपक्षीय कार्य समूह है जिसकी स्थापना संयुक्त नदी की स्थापना भारत और बांग्लादेश के द्वारा मैत्री सहयोग और शांति की भारत बांग्लादेश संधि में किया गया था यह संधि जो है ना यह मार्च उन्नीस में साइन हुई थी और नवंबर उन्नीस में भारत और इसके बीच में बांग्लादेश के बीच में लागू आप मेरी बात समझे भाई ज्वाइंट रिवर कमीशन जो है इसके ऊपर हमने एक ट्रीटी साइन की थी उस ट्रीटी का जो नाम है वो है इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप देखो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के अंदर में भी रिवर जो है क्योंकि बावन रिवर जो है एक दूसरे में कॉमन है एक बड़ा मुद्दा है दैट्स अगर जब भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन आती है दोस्तों तो ये रिवर वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप ध्यान रखना दोस्तों पीस ट्रीटी के तहत में हमने जॉइंट रिवर कमीशन की स्थापना की थी 19 मार्च उन्नीस सौ बहत्तर को नवंबर उन्नीस को ये लागू हो गया था जेआरसी को हेड कौन करता है देखो भारत की साइड से जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हेड है ठीक है वो और उधर से भी उनके काउंटर पार्ट

आठ नदियों को और ऐड कर दिया गया है यह भी इसकी खास बात है इस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की खास बात क्या है पहला तो 12 साल में इस प्रकार का जापान समझौता हुआ है पहला और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों देखो जो पहला चौवन नदियां थी उनमें से केवल सात नदियों की हमने पहचान की हुई थी जिनका हम डेटा शेयर कर रहे थे आपस में बट इस बैठक के बाद में आठ और नदियां हैं जिनको इसमें हमने शामिल कर दिया हम सहमत हो गए दोनों देश की ठीक है भाई ओके की रिपोर्ट है अब करेंगे

ठीक है सो इट फ्लू थ्रू द इंडिया एंड बांग्लादेश भारत बांग्लादेश से जाती है ब्रह्मपुत्रा जो है सॉरी ब्रह्मपुत्र मैं कह रहा हूं ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना मैंने तिस्ता को जमुना बोल दिया मेरी सॉरी तिस्ता को नहीं कहते पीछे मैंने उसको करेक्ट करना मैं भावनाओं में बह के बोल गया अब इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है तो ये नदी जो है वो पूर्वी हिमालय से निकलती है तिस्ता नदी और ये मैंने बता ही दिया कौन कहाँ से निकलती है माउंटेन बताया था ना पूर्वी हिमालय के अंदर सिक्किम वेस्ट बंगाल से होती हुई बहती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है तिस्ता नदी वाटर डिस्प्यूट जो है एक कंटेनियस है मतलब दोनों देशों के बीच में विवादित मुद्दा है और वेस्ट बंगाल जो है उसकी वजह से अभी तक इसके ऊपर में कोई भी सहमति नहीं हो पाई है ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप बताइए मुझे अब मैं कुछ आपको ऐसा काम दूंगा जो आपको खुद से करना है और ये करना है इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ रहा है देखो हमारा जो करंट अफेयर होगा दोस्तों इट विल बी अप टू डेट पहली बार, दूसरा एक्यूरेट ठीक है एंड यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता हुआ होगा ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज आपको इधर उधर की पढ़ाई जाएगी ऑल दी थिंग्स जो हैं वो आपको यूपीएससी के हिसाब से क्या होंगी होंगी और उसी के हिसाब से हम करेंगे ठीक है मेरी क्लास के अलावा जब मेरी क्लास हो जाए उस दिन में मेरी क्लास के अलावा करंट अफेयर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, है।, है। में में बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की तिस्ता को भी जल्दी निपटा दो भारत ने अश्योरेंस दे दिया फैनी नदी के ऊपर कहां पर हमें इनलेट लगाना और कितना पानी निकाल के साभूम डिस्ट्रिक्ट को देना बात भी फाइनल हो गई है पहले सात नदियों का डेटा हम शेयर करते थे आउट ऑफ 52 अब बात हो गई है कि आठ नदियों का डेटा और शेयर करेंगे तो बल्ले ही बल्ले हो रहा है अब ये जो ज्वाइंट रिवर कमीशन है दोस्तों ये मार्च उन्नीस 19, उन्नीस में एक ट्रीटी हुई थी भारत इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी उसके तहत बनाया गया था अभी इसका महत्व तो इसलिए भी ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि 12 साल के बाद में इसमें कोई एम जो है वो साइन हो पाया है टेक्निकल बैठक बैठक चलती रही थी बट मामला फाइनली नहीं हो पाया था फाइनली वाली स्टोरी याद है कि नहीं है ठीक है बट इसमें फाइनली हो गया है अच्छा आप सुनिए मेरी बात रिलेटेड सर्च के अंदर में मैंने बताया गंगा तिस्ता ठीक है मानू ये नदियां हैं मोहूरी ठीक है उसके बाद में खोवी गोमती उसके बाद में है आपका धारला उसके बाद में आपका दूध कुमार एंड खुशियारा सो मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार इन नदियों को देख लो ठीक है आज मैं कह रहा हूं दोस्तों कल को पता नहीं दोस्तों यूपीएससी पूछ ले इसको तो आप क्या करना मैप के अंदर जाना कहां से ओरिजिन होता है है इनका ठीक है? कहां पर जाकर ये ये इनका माउथ है ये ड्रेन कहां पर करती है दोस्तों और किस स्टेट में से ये आपका क्या करती है दोस्तों फ्लो करती है दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी परस्पेक्टिव मेरा काम यहीं तक था कि आपको मैं बता दूं कि क्या चीज आप कर लो बिकॉज दीज आर द रिवर जो ज्वाइंट है कॉमन है दोनों गंगा का तो पता ही है यार गंगा का बताया है तिस्ता का मैंने बता दिया खुशियारा पे बात कर ली तो बाकी जो नदियां हैं ना दोस्तों एक बार उनके बारे में भी देख लो अगर देख लोगे तो कमेंट बॉक्स में कर दो सर जी ओके okay, की रिपोर्ट है कर लेंगे हाँ भाई सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है सफिशियंट है वो सी के लिए भी भाई तुम ये क्यों कह चाहते हो कि है या नहीं है देखो तैयारी जब आप करते हो ना पढ़ाई जब आप करते हो तो सफिशियंट ना कुछ नहीं होता भाई और ये मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ परंतु मैं सत, सत्य बात बता रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी के अंदर ना कुछ भी सफिशियंट जैसा ना कुछ है नहीं तो अगर आप मुझे पता है आप ऐसा ठप्पा सोचते हो कि ऐसा सर मोर लगा दे कि ये सफिशियंट है और मैं यही पढ़ लूँ बस अगर मुझे ऐसा पता हो तो मैं तुम्हें वही पढ़ा दूँ जो पेपर में आएगा पेपर होता ही ऐसा है दोस्तों अनप्रडिक्टेबल बट मेरा प्रयास जो होता है जैसे आपने मेरे से पूछा सी के पेपर में एंडी तो एनसीआरटी बेसिक इतनी बहुत होती है उसमें एन सी आर टी ज्यादा नहीं पूछता एनसीआर टी को मैं पूरा कवर कर दूंगा तो हो गया काम चाहे सी डी एस हो चाहे एनडीए हो जाएगा काम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई प्रीलिम्स में आपसे भारत और बांग्लादेश की रिलेशन पूछ सकता है और जब भी बांग्लादेश और भारत के रिलेशन की बात आएगी ना तुम रिवर पे छापा जरूर मार देना पहले बता रहा हूं मैं रिवर कमीशन पूछा सकता है है भाई ठीक है, कब बना कैसे बना कैसे इसका महत्व क्या है जीआरसी का ज्वाइंट रिवर कमीशन का महत्व क्या है रिवर शेयर बाय बोथ कंट्री बाउन रिवर है और अभी मैंने कुछ नदियां बताई उनका डेटा याद रख लेना हो गया काम तिस्ता वॉटर डिस्प्यूट इज एन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको ध्यान रखना है ठीक है करो इसी बात पे वीडियो को लाइक और जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में ऊ ललला ला ला, ला। नोटिफिकेशन आएगा फिर क्लास होगी नोटिफिकेशन दूंगा उसके 10 से 15 मिनट के बाद में क्लास शुरू करता हूं तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा अपनी आने का ठीक है समय जो है वो सुबह एक तो आठ बजे होती है बट ऐसा निर्धारित नहीं है अभी

सर फैनी अरे यार देखो यू बी एस भाई वो उधर भी जाती है ना बांग्लादेश इंटरनेशनल रिवर बन जाती है वो और ऐसी इंटरनेशनल चीजों में ना फिर दिक्कत होती है ठीक है अब ऐसे तो एक तो एक बात बताओ ये जो इंडस जो है ये सारी इंडिया से ही तो के जाती है कुछ तो निकलती भी है वहीं से ठीक है लेकिन फिर भी हम क्यों देते हैं पानी क्यों एग्रीमेंट कर रखा हमने इंडस वाटर ट्रीटी क्यों कर रखी है करना पड़ता है ठीक है करना पड़ता है समझ रहे हो आप बात को रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज ऑल्सो ऑफ रिवर तिस्ता कह रहा है तिस्ता नदी की सात सेटिंग है किसकी दोस्तों रिवर रंगीत वैसे मेरा जो टाइपिस्ट है उसका नाम है रंजीत मैं वही सोच रहा था रिवर रंजीत दूसरा रिवर तिस्ता फ्लोज इन टू बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश कह रहा है कि जो तिस्ता नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर से, से होके जाती है आप बताइए स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा ओके की रिपोर्ट कर देंगे जल्दी से देखो ऐसा सवाल आ रिवर स्पेसिफिक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो जो नदियाँ मैंने तुम्हें बताई है ना उन नदियों का डेटा यार जरूर याद कर लेना ठीक है इट इज मस्ट एंड रिक्वायर्ड एज वेल ठीक है करो वही इसी बात पे कमेंट बॉक्स में ठोको ठीक है जल्दी से बातचीत बताओ मुझे क्या बातचीत है बताइए कौन सा स्टेटमेंट है सी कह रहे हैं बट मैं बता दूं दूसरी बात जो है वो सही है केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है ओनली सेकंड इज रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता बाकी सब गलत है सोर्स कहाँ यार ब्रह्मपुत्र और कहाँ तिस्ता ठीक है अलग अलग है अभी तो बताया था ईस्टर्न हिमालय में वो जाके तिब्बत से निकल रही है थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाओ अभी तो बताया था तिस्ता के बारे में और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकलती है भाई ठीक है दूसरा है कि रिवर तिस्ता फ्लोज इन द देंगोर ऑफ इंडिया एंड इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर से जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना वो तो बांग्लादेश के बीच से जा रही है ठीक है ये भी गलत है और ये भी गलत है रिपोर्ट करो करो ओके ओके की की किस पे Second Second पे सेकंड सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट रिपोर्ट है फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में सेकंड स्टेटमेंट लिख दो ओके की रिपोर्ट है अब रिपोर्ट ओके की तब भी होगी दोस्तों देखो अगस्त 22 से अगस्त 26 यानी कि आज है अंतिम डेट बढ़िया सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट आपको मिल रहा है मेरी मानो तो जो भी करना है आप आइकॉनिक करना है पर्सनल गाइडेंस आइकॉनिक कर लो प्लस कर रहे हैं तो प्लस करो लेकिन लेना दो साल का ठीक है क्योंकि अच्छा खासा यहां पे तेईस हजार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है दो साल पे इसपे मिल रहा है लगभग लगभग साढ़े पंद्रह हजार का ठीक है डिस्काउंट इस पे मिल रहा है पंद्रह पॉइंट और दो साल का लोगे ना तो एक साल का और फ्री एक साल का इसमें प्राइस कितना है छियालीस हजार ठीक है इसमें तो प्लस छियालीस हजार का डिस्काउंट हो गया और उसके अंदर में है तिरसठ हजार तो तिरसठ हजार कितना अच्छा डिस्काउंट आपको अभी के लिए मिल रहा है दूसरी बात है नोट्स ये नोट्स भी अभी मिलेंगे आपको उसके बाद सिर्फ आप आइकॉनिक लोगे तो ही बड़ा पैसा खर्च करोगे तो ही आपको मिलेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भाई मोदी जी जो है हमारी वर्तमान की जो सरकार है ये वन नेशन वन स्कीम के अंदर में ना बहुत भरोसा कर रही है ठीक है इसका वन नेशन वन स्कीम के अंदर में बहुत भरोसा है जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड ऐसी कई सारी स्कीम जो है इन्होंने चला दी है अब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लेके आएंगे एक नेशन में एक ही फर्टिलाइजर इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अब से देश के अंदर में जो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे बेचे जाएंगे किसानों को अलग अलग फर्टिलाइजर कंपनी है अलग अलग मार्केटिंग कंपनी है अलग अलग जो है कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनसे आपका जो है फर्टिलाइजर बेचा जाएगा ना तो जो पैकेट होता है जिसमें खाद होता है यूरिया हो डीएपी हो कुछ भी हो उसकी एक तिहाई भाग पर ही कंपनी का नाम होगा ठीक है जो कंपनी उसको बना रही है सिर्फ एक तिहाई पे वो अपना ऐड करेगी जैसे सिगरेट पे होता है ना बाकी दो तिहाई हिस्से पर सरकार अपनी ऐड करेगी उस पर लिखा जाएगा भारत यूरिया भारत डीएपी इस प्रकार से सरकार कह रही है कि भैया हम तुम्हें एक खाद के बैग पे ना हम सब्सिडी देते हैं तुम एमआरपी से जो है तुम बेचते हो एमआरपी जो कम दाम में बेचते हो लेकिन तुम्हें सरकार क्या देती है खर्च कर रही है तो सरकार चाहती है इसका फायदा भी उठाए प्रमोशन भी होगा ना और ये नाम भी ऐसा ही रख दिया इसने स्कीम का प्रधानमंत्री पीएम बीजेपी करके नाम रख दिया तो रूलिंग पार्टी को फायदा होगा बीजेपी का नाम चल रहा है चमक रहा है इसमें ना तो कई लोग इसको ऐसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बट मुद्दा सिर्फ एक है कि अब अलग अलग खाद के जो कंपनी के जो अपने देश के अंदर खाद बिक रहे हैं ना उन पे अलग अलग नाम नहीं जाएगा एक नाम जाएगा भारत यूरिया, भारत भारत यूरिया ठीक है इस प्रकार से ठीक है जो कंपनी बना रही है या जो इंपोर्ट कर रही है बस वो छोटी सी जगह पे अपना एक तिहाई हिस्से पे अपनी ऐड करेगी बस बाकी ब्रांडिंग वही होगी सरकार को सरकार चाहती किसानों को लगना चाहिए कि सरकार दे रही है तुम्हें ठीक है इसीलिए इसको किया जा रहा है इसके फायदे भी हैं इसके नुकसान भी हैं अभी चलिए बात करते हैं एक नुकसान ये भी बहुत बड़ा है मान लो अगर खाद में कोई डिफेक्ट हो तो पहले तो कंपनी को पकड़ते थे कंपनी गला पकड़ते थे अब सारा का सारा कंपनी जो है किस पे डाल देगी किस पे डाल देगी सरकार के ऊपर की सरकार की दिक्कत है सरकार कर रही है, है ना कंपनी डाल देगी ऐसे कि हमारा तो क्या है तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों भारत के अंदर में जितने भी खाद होते हैं इंक्लूडिंग यूरिया कल भी मैंने एक बात की थी इसके ऊपर में लिक्विड नैनो यूरिया के ऊपर में कि हम यूरिया में सेल्फ सफिशंसी जो है उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं देखो भारत के अंदर में जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की खाद की तो कागज के ऊपर में खाद का प्राइस डी कंट्रोल्ड हो चुका है डी कंट्रोल मतलब सरकार का इसमें कोई से नहीं है कितने में बिकेगा ठीक है कौन सी सब्सिडी ये बिल्कुल कागज के ऊपर पेपर के ऊपर डी कंट्रोल्ड है लेकिन वास्तविकता में सरकार इसको कंट्रोल करती है कितने दाम में बेचना है कहा, कहा, बेचना है कितना बेचना है सरकार के द्वारा निर्धारित होता है जो कंपनियां होती हैं ठीक है वो अपने लागत मूल्य से कम में बेचती है और बदले में जो उनको नुकसान होता है उसके नुकसान सरकार जो है भरपाई करती है किसके माध्यम से दोस्तों सब्सिडी के माध्यम से सरकार का एनुअल खर्चा है दो लाख करोड़ का फर्टिलाइजर के ऊपर ठीक है अब इतना खर्चा कर रही है सरकार तो अपना नाम भी चमकाएगी कि नहीं चमकाएगी ऑब्वियस सी बात एडवर्टाइजमेंट जरूरी है सोशल मीडिया का जमाना है भाई जो दिखेगा वो बिकेगा सीधी स्पष्ट बात है है ना तो इस चक्कर में ये सारा मामला जो है ऐसे हो रखा है तो आपको भी मेरी बात समझ में आ रही है तो बस इसी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम आ गई है समझ में आ रही बात आपको तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम्स द गवर्नमेंट लॉजिक एंड सम इमीडिएट रिस्क सरकार का लॉजिक क्या है और इसमें इमीडिएट रिस्क क्या है ये आया हुआ टॉपिक है तो जीएस पेपर टू एंड थ्री से रिलेटेड है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर फर्टिलाइजर एंड सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज है ना जीएस पेपर दो और तीन क्योंकि एक तो पॉलिसी रिलेटेड है और दूसरा इकॉनमी संबंधित है फर्टिलाइजर वगैरह इकोनमी में पूछा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है उंस दैट इट ने घोषणा कर दी है, कि एक एक जो है, ये स्कीम जो है लागू होगी भैया उनों अब ये स्कीम जो है हम लागू करेंगे हम कर लिया हमने, One Nation, One ठीक है इट इंट्रोड्यूस अर्टिलाइजर इसने सारे खाद्य के लिए सिंगल ब्रांड और सिंगल लोगो होगा अब इसका ठीक है अंडर द फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फर्टिलाइजर भारत में जो फर्टिलाइजर बेचे जा रहे खाद बेचा जा रहा है उसकी एक सब्सिडी की स्कीम है जिसको हम नाम देते हैं प्रधानमंत्री भारतीय है, जन परियोजना पीएम बीजेपी ठीक है एक और भी है ना पीएम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारतीय जन उसमें भी है और यह भी बना दी पीएम बीजेपी वो जेनरिक मेडिसिन के लिए भी पीएम बीजेपी है और यह भी पीएम बीजेपी हो गया तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने बोल दिया है कि हम देश के अंदर में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लागू करेंगे उन्होंने बोल दिया है कि हम भारत के अंदर में सिंगल ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर की जो है उसको लागू करने वाले हैं जहां पर एक ही ब्रांड होगा और एक ही लोगो होगा जितनी भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी दी जा रही है जिस स्कीम के तहत फर्टिलाइजर दिया जा रहा है ठीक है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्क योजना के तहत में जो भी खाद बेचा जा रहा है उसका एक सिंगल लोगो होगा और सिंगल क्या होगा दोस्तों उसका ब्रांड नेम होगा पीएम बीजेपी जो है ये है क्या मैं बता दूं अंडर दिस स्कीम देर ब्रांड नेम इसके तहत यूरिया का डीएपी का एमओपी का एनपीके का एनपी मैंने कल बताया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम होता है सबका एक नाम होगा जैसे यूरिया के लिए होगा भारत यूरिया डीएपी के लिए होगा भारत डीएपी भारत एमओपी भारत एनपी के ऐसे नाम रखा जाएगा इनका ठीक है रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल फर्टिलाइजर कंपनीज स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़ किसी का कोई से नहीं भाई जो पैकेट आता है जो बैग आता है जिसमें आप खाद डाल के बेचोगे दो तिहाई हिस्से पर सरकार अपनी ब्रांडिंग करेगी सरकार प्रधानमंत्री पी एम बीजेपी के बारे में बताएगी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के बारे में बताएगी वो वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में बताएगी बताएगी कि सरकार जो है कितना कुछ कर रही है किसानों के लिए और जो एक तिहाई भाग बचा ना उसमें जो ये कंपनियां हैं जो खाद को इंपोर्ट कर रही है बना रही है ठीक है पैक करके बेच रही है बाकी एक तिहाई हिस्सा इनको दे दिया कि छोटे जगह में तुम अपना नाम लिख लेना कोई टेंशन नहीं है देर विल बी अ लोगो इंडिकेटिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम नेमली प्रधानमंत्री भारतीय जनव्रक परियोजना विल बी यूज ऑन द साइड फर्टिलाइजर बैग जो बैग होंगे ना जोड़े जो आएंगे जिसमें खाद डाल के बेचेंगे इस इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना पी एम बीजेपी बीजे वाई परियोजना है ना पी पीएम बीजेपी योजना भी हो सकता था बट परियोजना नाम इसीलिए लगा ताकि पीएम बीजेपी सही मामला बने वट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यार अंडर द स्कीम कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम ब्रांड लोगो एंड अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ओनली ऑन वन थर्ड स्पेस ऑफ देयर बैग केवल तिहाई बैग पर जो कट्टा होगा जो बैग होगा जिसमें खाद डालोगे केवल एक तिहाई हिस्से पर कंपनी अपना ब्रांड लोगो सब डालेगी बाकी दो तिहाई स्पेस जो है वो भारत ब्रांड के लिए जिसपे भारत यू डी भारत यूरिया ये लिखा जाएगा और सरकार जो अपनी योजना बताएगी भैया हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम चल रही है भारतीय पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना तो वो जो है यहां पे किया जाएगा उसकी ब्रांडिंग जो है वो दो तिहाई हिस्से पे की जाएगी अब इसका मोटिव क्या है ठीक है व्हाट इज द मोटिव मोटिव बिहाइंड दिस सो इसके कई सारे मोटिव हैं दोस्तों ठीक है तो मोटिव क्या है देखो पहला है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द यूरिया द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया इज करेंटली फिक्स बाय द गवर्नमेंट देखो खाद बीज के जो प्राइस है ना सरकार ही फिक्स कर रही है अगर मैं आपको बताऊं एक जो बैग है यूरिया का उसको परचेज करने में खरीदने के अंदर में ना जब इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका बहुत प्राइस बहुत ज्यादा है ठीक है आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा प्राइस है किसका दोस्तों आपका यूरिया का ठीक है लेकिन यहां पर वो एम से कम में बिकता है और जो कम में बेचा जाता है तो सरकार फिर क्या देती है सब्सिडी देती है ही बात है सरकार खर्चा करेगी तो अपना नाम भी रखेगी कह रहा कि द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया इज करंटली फिक्स द गवर्नमेंट विच कम्पनसेट कंपनी फॉर द दायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट इनकर्ड बाय देम खर्चा ज्यादा पड़ता है इस यूरिया को बनाने में इसको इंपोर्ट करने में बट जो खर्चा एक्स्ट्रा होता है दोस्तों वो कौन देती है दोस्तों सरकार देती है एम आर पी ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर आर ऑन पेपर डी कंट्रोल्ड नॉन यूरिया की बात कर रहे हैं हम जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है मतलब जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है जिसमें यूरिया नहीं है पेपर पे अगर हम देखें जैसे डीएपी हो गया इनके ऊपर अब इनको डी कंट्रोल ऑन पेपर इनको डी कंट्रोल कर दिया गया कि सरकार का इनके अंदर में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा ठीक है आप ये बात समझ रहे हो बट वास्तव में डी कंट्रोल्ड है नहीं सरकार का पूरा पूरा कंट्रोल है और इनके ऊपर में क्या है दोस्तों रेगुलेशन है और सरकार सब्सिडी भी देती है बट कंपनीज कैन नॉट अवेल ऑफ द सब्सिडीज इफ दे सेल सेट द एमआरपी हाइयर देन द इनफॉर्मली इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट मैं क्या कह रहा हूं देखो सरकार ने बोल दिया कि पेपर पे डी कंट्रोल्ड है पेपर पे बोल दिया कि जो प्राइस है नॉन यूरिया गैर यूरिया उर्वरक जो है ये नियंत्रण मुक्त हैं इनके ऊपर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है लेकिन अगर किसी ने भी सरकार के निर्धारित मूल्य से ज्यादा पे बेच दिया तो उस कंपनी की खैर नहीं है फिर उसको सरकार से सब्सिडी नहीं मिलेगी आर छब्बीस फर्टिलाइजर इंक्लूसिव ऑफ यूरिया ऑन विच गवर्नमेंट बियर सब्सिडी एंड ऑल्सो इफेक्टिवली डिसाइड द एमआरपी भारत के अंदर में कुल मिला के छब्बीस ऐसे खाद है अलग अलग प्रकार के जिसमें यूरिया भी शामिल है दोस्तों जिनके ऊपर सरकार जो है उनका क्या प्राइस होगा कितने में बेचना है वो सब तय करती है और उनके ऊपर में सरकार जो है वो आपको सब्सिडी भी देती है सरकार सब्सिडी का भी वहन करती है इनके ऊपर दूसरी बात करते हैं सेलिंग गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड वेयर दे कैन सेल सरकार ये भी बताती है कि आपको बेचना कहां है भाई ठीक है ये जो किया गया है कि कहां बेचना है इसके लिए कानून पास किया गया है दिस इज डन थ्रू द फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर उन्नीस तो इस ऑर्डर के माध्यम से दोस्तों सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ये जो कंपनियां हैं ये कहां कहां पर इस फर्टिलाइजर को वो बेच सकती है हर जगह नहीं बेच पाएंगी जहां पर अलाउड होगा इस ऑर्डर के तहत उसी में अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ड्रॉज एन एग्रीड मंथली सप्लाई प्लान तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर में केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में वो हर महीने के अंदर मंथली प्लान निकालेगा एक ठीक है क्या करेगा दोस्तों एक मंथली प्लान निकालेगा कि भैया कहाँ कहां पे आप बेचोगे ऑन ऑल सब्सिडी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर इन कंसल्टेशन विद द मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर जो उसको बना रहे हैं जो उसको आयात कर रहे हैं बाहर देशों से मैंने आपको बताया दोस्तों इंडिया यूरिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया मंगवाते हैं तो हर साल क्या होगा हर महीने जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है वो बैठ के एक प्लान बनाता है जिसमें मैन्युफैक्चर को जो आपके इंपोर्टर उनको बुला लेता है कहता, आ जाओ तुम भी बैठो और फिर डिसाइड करता है कि कितनी सप्लाई कहां पर होने वाली आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे ठीक है द सप्लाई प्लान इज इश्यूड बिफोर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ईच मंथ हर महीने की पच्चीस तारीख से पहले सप्लाई प्लान जो है वो रख दिया जाता है अगले आने वाले का जैसे अभी आज छब्बीस तारीख है तो सितंबर का जो सप्लाई प्लान है कि कहां कहां पर कितना जो है बेचना है

तो सरकार इसकी जिम्मे क्रेडिट क्यों ना ले भाई मैं इतना सरकार चाहती कि हम इतना कर रहे हैं किसानों के लिए अभी किसान आंदोलन में सब लोग किसान सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे है ना कि ये सरकार जो है ठीक नहीं है तो अब सरकार चाहती है कि थोड़ा सा क्रेडिट लेने का समय आ गया है, है ना अब इतना जब हम दो लाख करोड़ पैसा खर्च कर रहे हैं हम डिसाइड कर रहे हैं क्या राइट होगा हम बता रहे हैं कहाँ बेचना है सब चीज़ जब हम ही डिसाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका क्रेडिट भी हम ले लेते हैं तो इसीलिए सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है इसको वो लेके आए तो मुद्दा वही है यार मुद्दा क्या है मुद्दा है बस सरकार चाहती है कि जो एंटी फार्मर इमेज उसकी बनी है तो उसको कैसे धोया जाए तो उसके अंदर में थोड़ा सा ये हेल्पफुल होगा ऐसा माना जा रहा है ड्रॉबैक है इस स्कीम की बहुत सारी क्या है पहला इट विल डिसवाइज फार्म फर्टिलाइजर कंपनी फ्रॉम अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन देखो हर कंपनी अपनी मार्केटिंग तो करती है ब्रांडिंग करती है जब हम यूपीएससी की क्लास शुरू करते हैं तो उसमें ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन अकेडमी क्योंकि हमें भी कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखा है तो ब्रांडिंग करनी पड़ती है मार्केटिंग करनी पड़ती है ठीक है अब जब फर्टिलाइजर कंपनी का नाम ही उसमें नहीं आएगा तो वो जो कंपनियां हैं ठीक है वो ना कोई मार्केटिंग इवेंट करेंगी ना कोई ब्रांडिंग इवेंट करेंगी वो बिल्कुल रिलेक्टेंट हो जाएंगी हमें नहीं करना भाई ठीक है इन केस ऑफ एनी बैग और बैच ऑफ फर्टिलाइजर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड एंड ब्लेम्स इज पुट ऑन द कंपनी पहले क्या होता था कि मान लो कोई गड़बड़ है तो कंपनी के ऊपर ब्लेम आता था बट अब सारा का सारा ब्लेम जो है किस पे आ जाएगा सरकार पे आ जाएगा और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ और क्योंकि नाम भी है ना क्या प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना तो ये बीजेपी है इसमें तो इसलिए कह रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी को क्या करेगी दोस्तों फायदा देगी अब बताओ कितने बच्चों को ये सारा टॉपिक जो है समझ में नहीं आया जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर ओके की रिपोर्ट है तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं एक बार फटाफट से लिख दो ठीक है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा जिसको समझ नहीं आया दोबारा से एक समरी सुन लो हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर उसने डिसाइड कर लिया कि जो खाद बीज है ना जो हम खाद बेचते हैं देश में कुछ किसानों को खाद मुहैया कराते हैं हम इनको वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर में लेके आएंगे कहने का मतलब है कि भारत के अंदर में जो भी खाद बिकेगा उसका एक ही ब्रांड नेम होगा वो क्या होगा जैसे यूरिया के लिए भारत यूरिया डीएपी के लिए भारत डीएपी अभी ये डिसाइड हुआ है हो सकता है कि आगे जाके कोई नया नाम डिसाइड हो जाए सरकार उसके लिए भी माई गोच जो ऐप है माई गवर्नमेंट उसके ऊपर सरकार जो है आपसे सजेशन मांग रही है कि एक सिंगल ब्रांड नेम बताओ तो आप भी जाके वहाँ एडवाइस दे सकते हो अभी के लिए यही डिसाइड हो रहा है कि भारत यूरिया भारत डी भारत एमओ भारत एन के ऐसा नाम होगा अभी जैसे अलग अलग कंपनियों के नाम पर होते हैं तो अब वो नहीं होगा साथ ही साथ में जो बैग आएगा मतलब जो कट्टा आएगा जिसमें खाद जाएगा दोस्तों ठीक है उस बैग के अंदर में दो तिहाई स्पेस के ऊपर केवल केवल और और इसी इसी की इसी की की ब्रांडिंग होगी साथ साथ में जो जो भारत सरकार सरकार स्कीम है जिसके तहत तो वो सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर के ऊपर वो उसका प्रमोशन करेंगे ठीक है दो लाख करोड़ का खर्चा कर रही है सरकार सब्सिडी देने पे और किसान कह रहे हैं कि भैया सरकार जो है वो एंटी फार्मर है तो सरकार चाहती है कि हम बताएं हम मार्केटिंग करें अपना प्रमोशन करेंगे और कंपनी जो है क्योंकि कंपनी को देखो कंपनी को जो पैसा उसका लग रहा है मैंने क्या बताया मार्केट के अंदर में यूरिया का एक कट्टा तीन हजार से साढ़े तीन हजार से चार हजार रुपये का है लेकिन वो मिल रहा है कितने में पांच सौ छह सौ रुपए सात सौ रुपए आठ सौ रुपए बाकी का पैसा कौन दे रही है सरकार सरकार कह रही है जब इतना पैसा हम दे रहे हैं तेरे को भी हम पैसा दे रहे हैं तो तेरे कस्टमर हम हैं ना कि लोग फार्मर तो एक काम कर चुप रहे तू तो अपना लोगो एक तिहाई हिस्से पे रख दो तिहाई हिस्से पे हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे ठीक है तो तो ये डिसीजन लिया गया है इस बार मैंने बताया खाद की जब मैं बात कर रहा हूं तो यूरिया को छोड़ दो बाकी सारे खाद जो जो हैं पेपर पे डी कंट्रोल्ड है लेकिन अभी भी सरकार जो है इनडायरेक्टली उनका मूल्य तय करती है अगर किसी खाद बनाने वाली कंपनी ने एमआरपी से ज्यादा बेच दिया तो सब्सिडी नहीं मिलती उसको फर्टिलाइजर पे कहां बेचना है उसका भी ऑर्डर रिलीज होता है जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हर महीने की 25 तारीख को आ जाता है अगले महीने के अभी पच्चीस अगस्त को सितंबर में कहां कितना खाद सप्लाई करना है तो अब सरकार इतना सब कर रही है तो सरकार कहती है कि हम क्रेडिट भी लेंगे भैया इसका तो इसीलिए सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम नामक जो है स्कीम जो है वो डिजाइन की है आपको बात समझ में आई ओके की रिपोर्ट नहीं किया यार आपने चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ रहे हैं अब देखो रिलेटेड सर्च क्या है दोस्तों एक मैंने कल बताया था आपको नैनो लिक्विड यूरिया क्या है एक बार इसके बारे में देख लेना कल ही मैंने पढ़ाया था पीडीएफ भी मैंने दे दी है ठीक है पीडीएफ आपके पास आ गई है चेक कर लेना बाद में कभी मेरे को गालियां दो नैनो लिक्विड यूरिया यूरिया और यूरिया पे कितनी सब्सिडी सरकार देती है इस प्रकार का डेटा हर साल बजट के दौरान जो है आपको दिया जाता है तो वो डेटा जो है वो आपको पता होना चाहिए डेटा आपको क्या होना चाहिए दोस्तों याद होना चाहिए दैट इज नेसेसरी फॉर यू आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रिलिम स्पेसिफिक में प्री के लिए क्या जरूरी है सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री बीजेपी स्कीम है क्या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना भी है और ये भारतीय जन उर्वरक परियोजना दोनों पीएम बीजेपी के नाम से हैं तो ये है क्या वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम क्या है? क्योंकि हमने वन नेशन वन राशन कार्ड सुना था ये नई स्कीम आ गई है इसका पर्पज़ क्या है मैंने बता दिया ड्रॉबैक क्या है इस स्कीम की बताया ना भाई अब जो है सारा भांडा सरकार पर फूटेगा सिं, सिंपल है कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी खाद बीज का प्रमोशन नहीं करेगी ठीक है दूसरा तीसरा यही है कि भैया पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं तो वो कह रही हैं कि इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा हाउ एम आर पी ऑफ यूरिया का जो एम आर पी है अब बस बढ़िया है दोस्तों देखो मार्केटिंग की बात आई तो मुझे भी मार्केटिंग और प्रमोशन करना पड़ रहा है सो so प्रमोशन और मार्केटिंग यही है भाई दो साल का सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है आइकॉनिक और दो साल का ही ले लो किसका दोस्तों आपका यहां पे क्यों ऐसा क्योंकि पंद्रह हजार रुपए का डिस्काउंट तो ये मिल रहा है साथ साथ में जब दो साल का लेते हो तो छियालीस हजार रुपए का डिस्काउंट क्योंकि एक साल एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको इसी प्रकार यहां पर चौबीस हजार का डिस्काउंट तो ये है प्लस एक साल एक्स्ट्रा मिलेगा तो तिरसठ हजार रुपए का डिस्काउंट और अभी जो है बीस एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है आपका ठीक है मेरा कोड लगाओगे तो बीस एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहां पर ट्वेंटी मिल रहा है साथ ही साथ में CSC एश्योर के तहत में दो साल का लेने पर एक साल का आपको फ्री में मिल रहा है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी अच्छी बात यह है कि अभी तो आग, आप सिर्फ प्लस ले लोगे तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे लेकिन कल आज रात के बाद में आपको प्लस लेने पर नोट्स नहीं मिलेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिमिशन एंड बिल्किस बानो केस गुजरात के अंदर में जो दंगे हुए थे ना उसके अंदर में एक महिला के साथ में रेप हुआ था ठीक है तो वो मामला जो है वो बिल्किज बानो केस के नाम से जाना जाता है जहां तक मेरी समझ है दोस्तों अभी हुआ क्या है, कि बानो केस के अंदर में जो है एक्यूज थे एक्यूज क्या कन्विक्टेड थे जिनकी जिनका जो है जुर्म गुना साबित हो चुका था तो वो सजा काट रहे थे पंद्रह साल हो गए थे उनको सजा काटते हुए तो अब उन्होंने रेमीशन की पिटिशन डाली रेमिशन आपको पता होगा ना रेस्पाइट रेमिशन प्रधानमंत्री के पास भी पावर होती है पार्डन करने की ऐसे ही गवर्नर के पास भी होती है तो पंद्रह साल से वो सजा काट रहे थे सुप्रीम कोर्ट के के आदेश ऊपर दोस्तों गुजरात की सरकार ने इसके ऊपर फैसला लिया है और इन ग्यारह जो कन्विक्ट इनको प्री मेच्योर रिलीज कर दिया मतलब सजा से पहले ठीक है सजा से पहले क्या कर दिया रिलीज कर दिया इनको उम्र कैद की सजा थी और लगभग लगभग भारत के हर स्टेट में एक प्रावधान है कि अगर कोई उम्र कैद का कैदी है तो उसको कम से कम चौदह साल काटने पड़ेंगे जेल के अंदर में उसके बाद उसको आप प्री मेच्योर पहले रिहा कर सकते हो उसके गुड कंडक्ट के ऊपर कि अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है जेल के अंदर में तो ठीक है लेकिन ये प्रावधान मर्डर और रेप के, के केस में लागू नहीं है अगर किसी का मर्डर किया है तो भी नहीं होगा और किसी का रेप किया है तो भी लागू नहीं है जनरली यही पॉलिसी है पूरे किसकी दोस्तों भारत के राज्यों की और यही पॉलिसी गुजरात की भी थी टिल 2014 2014 के बाद में गुजरात सरकार ने सॉरी ये 2014 तक के पहले नहीं थी 2014 के बाद में गुजरात सरकार ने भी कहा कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा है तो हम 14 साल के बाद में उसको प्री रिलीज कर देंगे अलग अलग का, का नहीं होना चाहिए कि कि अगर किसी को लाइफ इंप्रीजमेंट है तो हम 14 साल के बाद उसको प्री मैचोर रिलीज नहीं करेंगे ठीक है लेकिन फिर गुजरात ने रिलीज क्यों कर दिया तो गुजरात ने कहा है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं क्योंकि 2009 में एक दूसरी पॉलिसी थी गुजरात के अंदर जिसमें मर्डर और रेप के केस में भी अगर उम्र कैद है तो 14 साल के बाद उनको प्री मैचोर रिहा किया जा सकता है तो वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया गुजरात सरकार को कि भैया जब ये कन्विक्ट हुए थे जब इनको सजा मिली थी तो ये कानून उस समय लागू था तो इसी के अनुसार इनकी जो है रेमिशन की जो पिटीशन है उसकी सुनवाई की जाए और इनको प्री रिलीज किया जाए तो अब उनको प्री रिलीज कर दिया लेकिन कई सारी उस पर लगने लग गई हैं मामला जो है फिर से दोबारा से गर्म हो गया है ठीक है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं रेमिशन एंड बिल्किस बानो केस ये क्या है बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट सीक्स गुजरात रिप्लाई ठीक है अगस्त 25 का टॉपिक है दोस्तों कल रात बारह बज के मिनट के ऊपर में आया हुआ है तेईस बज के पांच मिनट ग्यारह पांच के ऊपर और चौदह पे बात आई थी गुजरात गवर्नमेंट से ऑन अ पिटिशन चैलेंजिंग द रेमिशन ग्रांटेड बाय द स्टेट टू द इलेवन कॉन्विक्ट इन दो केस ऑफ बिल्किस बानो गैंगरेप तो बिल्किज बानो का जो गैंगरेप का केस हुआ था इसमें ग्यारह कन्विक्ट इनको सजा थी किसकी दोस्तों उम्र कैद की अब गुजरात सरकार ने इनको रिहा कर दिया है है ना अब गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है रिप्लाई मांग रहा है हालांकि गुजरात सरकार क्या कह रही है कि भैया हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही छोड़ा है इनको है ना बट अभी जो नई पिटिशन आई है नई याचिकाएं आई है सुप्रीम कोर्ट के पास में और उन याचिकाओं के तहत में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है पिटिशन है क्या मतलब किसने किसनेशन याचिकाएं है डाली है पिटीशन चैलेंजिंग जर्नलिस्ट एंड फिल्म मेकर रेवाती लॉल ठीक है उसके अलावा फॉर्मर फिलोस प्रोसीजर प्रोफेसर ऑफ एंड एक्टिविस्ट रूप रेख वर्मा तो इनके द्वारा ये याचिका जो है ये डाली गई है तो पंद्रह अगस्त को इनको रिहा कर दिया गया था हाँ वाय तो बता रहा हूं यही तो बता रहा हूं तुम्हें भैया की तो जवाब दे ही रहा ना मैं क्यों छोड़ दिया इनको भैया रूल है देश में नियम है कानून है सुप्रीम कोर्ट के पास वो याचिका ले अब हैं मान लो उन्होंने क्राइम किया लेकिन उनके भी अधिकार है ना तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पहुंचगी अपनी याचिका लेके कि हमें छुड़वाओ प्री मैचो रिलीज कराओ 2009 में तो गुजरात में ये पॉलिसी थी कि अगर आपने 14 साल जेल में काट ली और अगर आपको उम्र कैद की सजा है चाहे आपने मर्डर किया हो चाहे रेप किया हो आपको रिहा कर दिया जाएगा 2014 में सरकार ने गुजरात सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी 2014 में सरकार बोली कि उम्र कैद है लेकिन मर्डर और अगर रेप के केस में आपको उम्र कैद है तो हम 14 साल के बाद आपको रिहा नहीं करेंगे प्री मैच और आपको पूरी उम्र जो है जेल में काटनी पड़ेगी अब इसी पे विवाद है अब विवाद क्यों है गुजरात ने क्यों रिलीज किया क्योंकि दो में तो नई पॉलिसी आ गई थी क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि भैया 2009 की जो नीति है उसके तहत आपने खुद कहा है कि भैया आपके अगर किसी को उम्र कैद है और रेप और मर्डर उसने किया है तो हम उसको प्रीमियचो रिलीज कर देंगे आफ्टर ईयर तो इसके ऊपर में अभी डिबेट डिव, और कंट्रोवर्सी हो रही है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशन के बाद में गुजरात सरकार से जवाब मांग लिया है अभी रेमिशन का मतलब क्या होता है यह समझो रेमिशन एक किस्म से छूट होती है बेसिकली गवर्नर और राष्ट्रपति के पास में जो पार्डनिंग पावर होती है उसके अंदर आता है क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 और 161 अनुच्छेद बहत्तर में राष्ट्रपति के पास होती है और अनुच्छेद एक के सौ इकसठ इकसठ के केस में किसके पास होती है दोस्तों गवर्नर राज्यपाल के पास होती है तो रेमिशन का मतलब क्या होता है रेमिशन का मतलब ये होता है कि जो सजा मिली है सजा की इंटेंसिटी वही रहेगी मान लो किसी को सजा मिली है वन ईयर ऑफ रिग टू ईयर ऑफ रिगरियस पनिशमेंट कि बहुत कठोर कारावास रहेगा दो साल का तो रमिशन के अंदर क्या होता है सजा का नेचर तो वही रहेगा लेकिन उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है कि कठोर कारावास है लेकिन दो साल का नहीं अब एक साल का होगा ठीक है तो वो कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों का मतलब होता है कि हम सजा की अवधि को कम कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस हम सजा को नहीं बदलते सजा वैसी ही रहेगी नेचर वैसा ही रहेगा बट हम जस्ट जो चेंज कर देंगे वो किसको चेंज कर देंगे दोस्तों हम उसका जो कैरेक्टर है ठीक है उसको सेम रख के उसका ड्यूरेशन कम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल इंप्रीजमेंट फॉर ईयर मान लो किसी को दो साल की सजा दी है तो हम उसको क्या कर देंगे हम उसको पनिशमेंट ऑफ ईयर कर देंगे एक साल की पनिशमेंट कर देंगे हम उसको ठीक है तो ये हम यहां पर कर सकते हैं अरे इसीलिए तो ऋषि भाई इसीलिए तो ये गड़बड़ हो रही है इसीलिए तो लोग ने इन लोगों ने पिटिशन डाल दी अब इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार देगी मेरे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया भाई अब मुझे भी पता है महिलाओं के अगेंस्ट है ये सब वह सब ठीक है मैं मुझे भी पता है इतना दिमाग मेरे अंदर भी है बट पढ़ाऊँ नहीं तुम्हें वो तो मैंने कह ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द रिलीज ऑफ द कन्विक्ट अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या क्या है ठीक है वो समझना कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है जैसे गुजरात हर राज्य भारत के हर राज्य में गुजरात में भी 2014 के बाद में गुजरात ने भी ये नीति अपना ली थी 2014 से पहले नहीं थी भारत के हर राज्य में इंक्लूडिंग गुजरात आफ्टर 2014 एक पॉलिसी है कि अगर उम्र कैद होती है और अगर आप 14 साल जेल में गुजार लेते हो आप अच्छे बिहेवियर के ऊपर में आपको चौदह साल के बाद में उम्र कैद की सजा में प्री मैच रिलीज पहले ही आपको छोड़ दिया जाएगा वो सरकार डिसाइड कर लेगी ठीक है ठीके? ये गुजरात में भी पॉलिसी थी कब सॉरी यार मैं गलत बोल गया गुजरात में और भारत के सभी राज्यों में गुजरात में 2014 के बाद में ये पॉलिसी थी कि अगर आपको उम्र कैद है तो मर्डर और रेप इन दो केस को छोड़ दो बाकी अगर किसी केस में आपको उम्र कैद है तो आपको दो चौदह साल की सजा काटने के बाद में आपको रिहा कर दिया जाएगा लेकिन अगर मर्डर या रेप किया है किसी का तो चौदह साल के बाद में आपको प्रीमियर रिलीज नहीं किया जाएगा ये पॉलिसी है भारत के हर राज्यों की और गुजरात की भी है 2014 के बाद 2014 से पहले गुजरात में 2009 में नौ पॉलिसी नहीं थी 2009 में गुजरात में क्या था कि रेप और मर्डर के केस में भी आपको रिहा कर दिया जाएगा अगर आप 14 साल की सजा काट लेते हैं इन केस ऑफ उम्र कैद ठीक है तो पूरा मुद्दा है जो आपको ध्यान में रखना है तो गुजरात ने नई रिवाइज पॉलिसी दो में अपनाई थी है ना सो यह कह रहे कि इट इज अगेंस्ट द जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय है तो क्योंकि बिल्किस बानो मुस्लिम भी है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय का भी मुद्दा उठाए साथ साथ में कह रहे हैं कि भैया जो है विक्टिम्स है उनके लिए भी इनजस्टिस है और महिलाएं जो है वो भी मतलब हम मानते हैं कि प्रसिक्यूटेड सेक्शन होता है तो उसकी भी बात हुई है सम एक्सपर्ट ऑल्सो व्यूड रेमिशन ऑफ दीज दी अक्यूज एज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग कह रहे हैं विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो छूट दी गई है ना रेमिशन जो दी गई है इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इसका पॉलिटी से कुछ संबंध है मतलब इसका राजनीति से कुछ संबंध है अब सरकार कह रही है कि कि हमने रिलीज क्यों किया? Argument for the release. कह रहे कि हमारे यहां पे ना गुजरात में एक में में पॉलिसी पॉलिसी थी थी 1992 तक तक जो थी, उसके तहत तो 14 साल के बाद में हम क्या कर देंगे रिहा कर देंगे ठीक है इट वॉज फोर्स एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन विच डिड नॉट एक्सक्लूड द कन्विकेप फ्रॉम एक्सिक्यूटिव रिमिशन

तो इसीलिए फिर इनको क्या कर दिया गया है दोस्तों रिलीज कर दिया गया है अब ये जो पार्डनिंग पावर है गवर्नमेंट गवर्नर की अब मुद्दा तो देखो ये कई दिन चलेगा आपको न्यूज भी मिलती रहेगी रोज रोज इसके ऊपर में बातचीत जो है वो होती रहेगी कुछ कुछ अलग अलग मुद्दे आते रहेंगे बट हमने जो मुद्दा था वो समझ लिया अब आप अगेंस्ट में और इसके सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट आएगी ठीक है वो डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आप देख लोगे बट यहां पर जो है पॉलिटी के हिसाब से

सिंपल मतलब यह है कि क्षमादान की शक्ति है किसके पास गवर्नर के पास अनुच्छेद 161 जो है इसमें किसी राज्य के राज्यपाल के पास ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने के लिए राहत देने के लिए छूट देने के लिए या उसको निलंबित करने हटाने या कम करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास में होती है <coughs> ठीक है लंबा स्टेटमेंट है आर्टिकल एक आपको पता होगा अब ये जो पार्टनिंग पावर है क्षमादान शक्ति ये हमारे राष्ट्रपति महामहिम के पास भी होती है आर्टिकल 161 के तहत में पा, किसके पास होती है गवर्नर और आर्टिकल 73 सेवेंटी 72 है 72 है भाई आर्टिकल 72 है आर्टिकल 72 के पास में किसके पास होती है दोस्तों प्रेसिडेंट ये करेक्ट कर लेना सेवेंटी है यहां पे सेवेंटी नहीं है ठीक है चलिए ये हो गया मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया अरे बिल्किस बानो रेप केस के अंदर में भाई सजा हुई थी 2002 में जो रियॉर्ट हुआ था गुजरात के अंदर में दंगे जो हुए थे उसमें बिल्कीज बानो केस में गैंगरेप हुआ था तो उसमें 11 लोगों को जो है उम्र कैद सुनाई गई थी ठीक है अब उनमें से कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि अब हमें प्री रिलीज करो रेमिशन की पिटिशन अब ये अधिकार है भाई सु, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान ने दे रखा है तो भले ही उन्होंने कांड किया हो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि करो हमारी माफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा अभी तो गुजरात में पॉलिसी दूसरी है 2014 के बाद में उन्होंने रेप और मर्डर के केस में उन्होंने प्री रिलीज बंद कर दिया तो उन्होंने कहा कि हमारा कन्विक्शन तो 2014 से पहले हुआ था ना तो हमें उसी के हिसाब से छूट दिलाओ हमें रिहा करवाओ जेल से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया किसको गुजरात की गवर्नमेंट को कि करो भाई अब उन्होंने गुजरात की गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को उनको रिलीज कर दिया अब लोगों ने फिर से याचिकाएं डाल दी सुप्रीम कोर्ट में तो इसी चक्कर में पूरा मामला जो है अब गरमाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जवाब मांग लिया अगर बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ठोको ओके की रिपोर्ट है भाव्या भदौरिया हेलो सुमित सर फर्स्टली थैंक यू फॉर मेकिंग माई फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज आई एम द सेवेंथ क्लास वाई डिडंट यू कवर साइंस हाँ हाँ कर दूंगा यार से अब सेवेंथ क्लास के अंदर में आप यहाँ पे क्यों पढ़ रही है यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं बट अच्छी बात है अगर आप इस इस अभी से अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे ठीक है तो आपका आगे का रास्ता देखो आज की जनरेशन कितनी अवेयर है सातवीं क्लास में हमें पता भी नहीं होता था ठीक है सातवीं क्लास में ना बस वो हमारे टीचर आते थे वो क्या करते थे या तो बोर्ड पर सवाल नंबर एक वो हम तो पाठ बोलते थे लेसन भी नहीं बोलते थे हम हिंदी में तो पाठ बोलते थे जैसे उन्होंने पहला पाठ पढ़ाया दूसरा पाठ पढ़ाया तो उस पाठ के पीछे जो क्वेश्चन जो, जो होते थे वो या तो लिख देते थे बोर्ड पर हम उतार लेते थे ठीक है या वो किताब में निशान लगा देते थे तो कहते बेटा कल से लिख के ले आइयो इनको कॉपी चेक करूंगा तो ये होता था हमारे साथ तो भाई लेकिन आज के बच्चे देखो यार कितना अच्छे से उसको समझते हैं और सातवीं क्लास के अंदर में इस तरीके का वो पढ़ने की कोशिश करते हैं दैट इज कमेंडेबल ठीक है बट अगर आप अभी से ऐसा पढ़ रहे हैं ठीक है तो मैं पहले ही लिख के देता हूं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप भी भविष्य में आई ऑफिसर हैं चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में पार्डनिंग पावर ऑफ president राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एंड जो राइट टू लाइफ है आपका जीवन का अधिकार ये दो चीजों पे मोर लगा देना पढ़ लोगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ अगर कर लोगे तो सही है नहीं कर लोगे तो बताओ मुझे यस सर हमें हाँ नहीं किसी को मुझे नहीं पता था यार आपकी आपकी नहीं पता था भाई मुझे भी नहीं पता था ठीक है मैं सच बता रहा हूँ दुर्गा प्रसाद पूछ रही है सर मर्डर और रेप के अलावा किस किस केस में उम्र कैद मिलती है देखो ना तो मैं वकील हूँ ना मैं जज हूं ना मैंने सीआरपीसी पढ़ा हुआ है ना मैंने आईपीसी पढ़ा हुआ है <laughs> तो इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ठीक है आई एम वेरी सॉरी किसी वकील से पूछ लो बेहतर होगा मेरे को नहीं पता ठीक <laughs> है वो केस टू केस वेरी करता है कौन सा केस है कैसा केस है किस प्रकार का केस है ठीक है ऐसे वेरी करता है और फिर उसी के आधार पर जो है वो निर्णय होता है उसी के आधार पर फैसला होता है उसी के आधार पर डिसीजन होता है बात समझ पा रहे हो आप मेरी ठीक है चल

भाई प्री के अंदर में ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं तो मेरे हिसाब से आप इनके बारे में रहोगे अवेयर रहोगे ना लपेट दोगे ना अगर सवाल आएगा तो हाँ भाई भाई अगर सवाल आता है तो लपेट दोगे कि नहीं लपेट दोगे बताओ <coughs> मेरे हिसाब से तो आप खींच दोगे मीटर को हो जाएगा ना हाँ एनसीआरटी ज्योग्राफी आज नौ बजे होगी भाई पढ़ाएंगे नौ बजे है यार भाई ग्लोबल स्टार ब्लॉग एक बार उस पर टाइम तो देख लो एन की क्लास आज नौ बजे होगी ठीक है नौ सवा नौ भी हो सकते हैं <coughs> मैं मैसेज डाल देता हूँ एन सी की जो क्लास है वो नौ बजे के बाद होगी आज क्योंकि अभी क्लास जो है यूपीएससी 101 पे चल रही है ठीक है क्लास होगी डोंट वरी बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा वो नौ बजे के बाद हम करेंगे थैंक यू आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक सवाल मैं दे रहा हूं नो द डिफरेंस बिटवीन द की टर्म्स एज डायरेक्टेड बिफोर पार्डन रेप्राइव रेस्पाइट एंड एंड रेमिशन पनिशमेंट और सस्पेंड रेमिट कम्यूट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पहला कह रहा था स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर द प्रेसिडेंट कह रहा जितना क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है गवर्नर कर सकता है राष्ट्रपति के पास उतनी ताकत नहीं है पहली बात दूसरा पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंस केस कह रहा कि अगर मृत्यु दंड है तो उस केस में गवर्नर के पास में कोई अधिकार नहीं होता फटाफट करेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर में थोक, थोको ताली। जल्दी बताओ। भाव्या भदौरिया थैंक यू वेरी मच चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से एक बार कौन सा सही है इस केस के अंदर में कौन सा गलत है मैं बता देता हूं सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक है पहला गलत है अरे गवर्नर की पावर तो ही होगी ना राष्ट्रपति से भाई गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को माफ करने का अधिकार नहीं है बट राष्ट्रपति के पास में डेथ सेंटेंस को माफ करने का भी अधिकार है राष्ट्रपति के पास में जो कोर्ट मार्शल होता है उसके में भी अधिकार है जो किसके पास नहीं है दोस्तों आपके गवर्नर के पास नहीं है ऑफर बढ़िया है दोस्तों जाओ लपेट लो ठीक है आज ट्वेंटी परसेंट ऑफर मिल रहा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ आज मिलेगा ठीक है इसमें बीस परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों दो साल का करना क्योंकि दो साल के ऊपर ना एक साल का और फ्री मिल रहा है अच्छी चीज यही है दो साल की तैयारी लगती है यूपीएससी में भाई ठीक है और जब दो का लोगे एक का फ्री मिल रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है सुमिटन कोड लगाना है जो याद रखना है आपकी किसी से बात हो नकैडमी बनाए जो भी जो भी आपको फ़ोन करे अगर वो लिंक विंक भेज देते हैं आपको उस लिंक को अच्छे से चेक करो सुमिटन कोड या कोई भी आप एजुकेटर का कोड लगाना चाहते हैं वो है तो ही करो अदरवाइज इट कैन टर्म टर्न इन टू फाइनेंशियल स्कैम स्कैम हो सकता है फिर ये मनुस्मृति दी एंशियंट संस्कृत जो मनुस्मृति है ये ऋषि मनु के द्वारा लिखी गई थी हिंदू धर्म का मतलब ये मान लो एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है ठीक है हिंदुइज्म का तो अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है तो जो मनुस्मृति है इसके अंदर में जो वेमेन है महिलाएं जो है उनको सभी को शूद्र की शूद्रास की कैटेगरी में रखा गया है कैटेगरी है ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रास वैश्य तो जितनी भी महिलाएं सबको शुद्राज में रखा हुआ है तो उसी के ऊपर बस अब थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और कहा जा रहा है कि बकवास ग्रंथ है ऐसा वैसा लेकिन ये है क्या ग्रंथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहला भारत का ऐसा ग्रंथ था जिसको यूरोपियन भाषा के अंदर में कन्वर्ट किया गया था तो क्या है किसने लिखा कैसे था क्या इसकी बात है सारी चीज में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा मनुस्मृति के बारे में संस्कृत तो व्हाट इज मनुस्मृति दी एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट रिसेंटली अंडर कंट्रोवर्सी तो अभी रिसेंटली इसको कंट्रोवर्सी के अंदर है काफी तो चलिए हो जाए दो दो हाथ इसमें जीएस पेपर वन इंडिया आर्ट एंड कल्चर ठीक है हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों आपका वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शांतिश्री धूलीपुदी पंडित रिसेंटली क्रिटिसाइज द मनुस्मृति अभी उन्होंने रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू जेएनयू की जो है वाइस चांसलर हैं उन्होंने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया है कह रहा है कि ये जो क्रिट ये, है, ये पूरा का पूरा जेंडर बायस है ठीक है ये जेंडर बायस करता है लिंग के अंदर में भेदभाव करता है ये इज द इशू मुद्दा क्या है दोस्तों पंडित दैट मनुस्मृति हैज ऑल मैंने बोला था ना इस मनुस्मृति के अंदर में जितनी भी महिलाएं हैं सबको शुद्रास की कैटेगरी के अंदर में रखा हुआ है माना गया कि एक्स्ट्राडिनरी रिग्रेसिव है बहुत पुरानी सोच है असाधारण रूप से ये क्या है दोस्तों असाधारण रूप से अगर हम बात करें तो ये प्रतिगामी है

बाद में बेचारे बच्चे की ना दलित था वो बिचारे की डेथ हो गई तो है के नाम से भी जानते हैं ये मानव धर्मशास्त्र कहते हैं हम इनको शॉर्ट में इसको मनुस्मृति कहा जाता है या लॉ ऑफ मनु मनु के द्वारा जो नियम बनाए गए थे ठीक है वो एक संस्कृत में लिखी हुई किताब है दोस्तों और धर्मशास्त्र से बिलोंग करती है जो भारत में हिंदुइज्म से क्या रखता है संबंध रखता है ठीक है तो मानव धर्मशास्त्र जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में जाना जाता है हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है इट इज कंपोज समटाइम्स बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसीई एंड थर्ड सेंचुरी सीई तो इसको दोस्तों आपका सेकेंड सेंचुरी बी और थर्ड सेंचुरी सी के बीच में इसको लिखा गया है मनुस्मृति इज रिटन इन श्लोका वर्सेस कंटेनिंग टू नॉन राइमिंग लाइंस ऑफ सिक्सटीन सिलेबस ईच अभी क्या ये छोड़ दो बस कब लिखी गई वो देख लो इसके अंदर में अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं ठीक है ये बात आपको बता रहा है मनुस्मृति में श्लोक छंदों में लिखी गई है जिसमें प्रत्येक में सोलह पाठ्यक्रम में दो गैर तुकबंदी वाली पंक्तियां तुकबंदी मतलब राइम नहीं करती वो ठीक है जैसे राइम होता है ना गाना गाते हैं तो मैच करता है तो ऐसे राइमिंग वाले वो नहीं है तुकबंदी नहीं बन रही द टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द माइथिकल फिगर ऑफ मनु कह रहा कि जो है जो टेक्स्ट है ये जो मनु थे उनसे संबंधित है दोस्तों एंड कंसीडर टू बी द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन रेस इन हिंदुइज और माना जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर में वो मानव जाति का पूर्वज थे जो मनु थे ना तो उन्हीं के द्वारा इसको पूरे इस टेक्स्ट को लिखा गया था इसीलिए इसको मनुस्मृति कहा जाता है देर हैज बिन कंसिडरेबल डिबेट बिटवीन द स्कॉल आपका ऑथरशिप ऑफ द टेक्स्ट लेकिन किसने लिखा कैसे लिखा क्यों लिखा ठीक है इसके ऊपर बहुत डिबेट है ठीक है बहुत सारा डिबेट है वो भी मतलब चलता रहता है अब इंडिया है ये भी चलता रहेगा ठीक है समझ रहे हो बात को तो इस पाठ में जो लेखत्व है कि किसने लिखा वो भी डिबेट हो रहा है तो मुद्दा क्या है दोस्तों आप समझना मेरी बात वाइस चांसलर चा, ने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया है बोल रहा है जेंडर वाइज है इसने महिलाओं को शुद्रास बोला है जो पूरा तरीके से रिग्रेसिव है उसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान वाला मुद्दा भी उठाया है मनुस्मृति जो है दोस्तों कह रहे हैं मानव के नाम से जाना जाता है इनको लॉ ऑफ मनु के नाम से जाना जाता है तो ये हिंदुजम का आप मान लो एक साहित्यिक परंपरा से में ये आपका संबंधित है इनको सेकेंड सेंचुरी बी और थर्ड सेंचुरी सी के बीच में लिखा गया था इसमें श्लोक वर्सेज है जिनको बिना तुकबंदी के हिसाब से लिखा जाता है ये टेक्स्ट जो है दोस्तों ये माना जाता है कि मनु जो है उन्होंने लिखा था हिंदुइज्म के वो पूर्वज थे एनसेस्टर्स थे हिंदू धर्म के और ये भी जो है थोड़ा डिबेटेबल है इस पर भी बहुत सारा विवाद है डिबेट है आपस में क्रिटिजम किया जाता है कि किसने लिखा जैसे हम कह रहे लिखा तो उसके ऊपर में भी जो है अभी क्लैरिटी जो है यहां पर नहीं है अब इसको चार भागों में बांटा गया मनुस्मृति को चार भागों में बांटा गया है पहला डिवीजन है इसका क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया कैसे बनी दूसरा सोर्स ऑफ धर्मा धर्म का जो सोर्स है वो क्या है धर्मा ऑफ द फोर सोशल क्लासेस जो चार सोशल हमने काम के आधार पर बांटा है ना ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्र वैश्य उनके अलग अलग धर्म क्या है वो भी सीम बताए गए हैं कि सबका क्या धर्म है सबका क्या कर्म है लॉ ऑफ कर्मा रीबर्थ एंड फाइनल लिबरेशन चौथे नंबर पे इस किताब के अंदर में जो कर्म के कानून है कि आपका बर्थ कैसे हुआ रीबर्थ कैसे होगा और जो फाइनल लिबरेशन कहते हैं ना अच्छे कर्म करोगे दोबारा आओगे ऐसा वैसा टाइप का वो सारी बातें इसमें इस, इस किताब के अंदर में बताइए यहीं से ज्ञान पेला जाता है जो आपके घरवाले देते हैं ठीक है यहीं से ज्ञान आपको पेला जाता है व टेक्स अबाउट जो है किसके बारे में लेख किसके बारे में द मनुस्मृति इज एनसाइक्लोपेडिकवरिंग ऑब्लीगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द वेरियस कास्ट एंड इंडिविजुअल इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ मनुस्मृति है ना एक दायरा विश्व कोश है, en, en, है दोस्तों इसके अंदर में कई सारे सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल ऑब्लिगेशन क्या है मतलब अलग अलग, अलग आदमी की अलग अलग जो हमने वर्ण विभाजित किए हैं उनकी सबकी सोशल ऑब्लिगेशन क्या है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर द स्टेजेबल सोशल एंड एंड रिलेशन ऑफ मैन वुमेन कह रहा कि जो सोशल और सेक्शुअल रिलेशन है आदमी की और महिलाओं की उनके बारे में बताया गया कि अलग अलग जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं महिला आदमी किस प्रकार से उनके सोशल रिलेशन और सेक्सुअल रिलेशन होने चाहिए उस पर बात इसमें की गई है रूल ऑफ किनशिप किनशिप मतलब आप समझते हो ना किनशिप का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो किन, इसका मतलब होता है राजत्व के नियम व्यवहारिक आपका सद्भाव बनाए रखने और रोजमर्रा के विवादों का निपटान करने की प्रक्रियाओं का इसमें उल्लेख सेटल करोगे आज तो कानून है आईपीसी, सीआरपीसी उस समय नहीं था तो इसी से होता था एट द कोर द मनुस्मृति डिस्कस लाइफ इन वर्ल्ड हाउ इट इज लिव्ड इन रियालिटी एज वेल एज हाउ इट इज ऑट टू बी अकॉर्डिंग टू द वैंडी ये वेंडी डोंगियर एंड जो ब्राइन सीमित है इनके हिसाब से कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति जो है इसके अंदर ये बताया जाता है कि दुनिया में इस वर्ल्ड में लाइफ को कैसे जिया जाता है बेसिकली एक पुराना टेक्स्ट टेक्स था दोस्तों हिंदुइज्म का हिंदू संस्कृति से संबंधित है जिसके अंदर में अलग अलग जो वर्णाज हैं उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उनको काम करना है उनका जिक्र इसके अंदर किया गया है किस प्रकार से उनका सोशल कंडक्ट होगा मैन एंड वेमेन का सेक्शुअल कंडक्ट होगा अमंग द कास्ट ठीक है अमंग द क्लासेस है ना क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डे टू तो डे में झगड़ा हो जाता है कैसे सुलझाना ये सब बातें इस, इसके अंदर में लिखी थी दे आर्ग्यूड दैट द टेक्स इज अबाउट धर्मा विच मीन्स ड्यूटी रिलीजन लॉ एंड प्रैक्टिस कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो मनुस्मृति है पूरी पूरी धर्म के बारे में इसमें आदमी की क्या कर्तव्य हैं उसका धर्म क्या है कानून और प्रैक्टिस के ऊपर डिस्कशन किया गया है इट डिस्कस एस्पेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र कहा जाता है कि इसके अंदर अर्थशास्त्र जो है उसके भी कुछ चीजों को यहां डिस्कस किया जाता है एज इशू रिलेटिंग टू द स्टेट क्राफ्ट एंड लीगल प्रोसीजर इसका महत्व तो क्या है सर वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मनुस्क्रिप्ट ठीक है मनुस्मृति मनु हैड बिकम एंड रिमेंड द स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन हमारी जो पुरानी जो सोसाइटी मानी जाती है ना जो पुरानी सभ्यता मानी जाती है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो सेक्स मानी जाती है दोस्तों उसके अंदर में एकमात्र अगर पावर का सोर्स किसी को माना जाता मतलब हमारे पुराने समाज में ठीक है जो राजा महाराजा होते थे तो जो मनुस्मृति है वो एकदम मतलब अथॉरिटी थी ठीक है इसी के हिसाब से सारा काम होता था रिमेन द स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन फॉर द सेंटर पीस ऑफ हिंदुइज्म आपका वर्णाश्रम धर्म सोशल रिलीजियस ड्यूटीज टाइड टू क्लास एंड स्टेज ऑफ लाइफ इज ठीक है ये आपको समझना इसका ये महत्व था मतलब पुराने टाइम पे क्या धर्म है क्या कर्म है वो इसी के हिसाब से आपका चलता था मनुस्मृति के हिसाब से इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट टेक्स्ट फॉर ब्राह्मण स्कॉलर कह रहे हैं कि ब्राह्मीण स्कॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था इट अट्रैक्टेड नाइन कमेंट्रीज बाय राइटर्स ऑफ द ट्रेडिशंस एंड वॉज साइटेड बाय द अदर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट फॉर मोर फ्रीक्वेंटली देन द अदर धर्मशास्त्र भारत के अंदर में जो तो वेद पुराण जो है ना उनके अंदर में भी मनुस्मृति का कई बार जिक्र किया गया है कह रहा है ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में नौ अलग अलग व्याख्याएं जो है संस्कृत में तो नौ अलग अलग व्याख्याएं जो है मनुस्मृति की की हुई है इट वॉज द फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट कह रहा है पहला ऐसा टेक्स्ट था जो संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर में क्या किया गया कन्वर्ट किया गया बाय द ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट सर विलियम जॉन्स इन नाइनटीन सेवनटीन

ठीक है आपको पता होना चाहिए ब्रह्मिणी स्क्रिप्ट जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्या है ठीक है और खारोस्ती स्क्रिप्ट जो है इसके बारे में आपको देखना है सो दीज आर द रिलेटेड सर्च के मुद्दे ढूंढना इनके बारे में इंटरनेट पे जो चीज आपको ना मिले इंटरनेट पे लिखोगे तो एक दो पॉइंट उसके बारे में मिल जाएंगे और उनको लिख के रखा करो ठीक है दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक प्रिलिम्स के हिसाब से क्या जरूरी है प्रिलिम्स में आपसे मनुस्मृति के बारे में पूछा जा सकता है इसको कितने भागों में बांटा जाता है इसका पुराना और आज के टाइम पे ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि मनुस्मृति का आज के समय के अंदर में क्या सिग्निफिकेंस है क्या महत्व है ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं आजकल जीएस के अंदर में ठीक है जीएस पेपर वन के अंदर तो आपको यह पता होना चाहिए के हिसाब से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक सवाल मैं दे रहा हूं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट है कंसिडर करो द मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन द रिटन इन अपार भारंशा, अपार भाषा द टेक्स्ट प्रेजेंट इट सेल्फ एज अ डिस्कोर्स विथ स्टेट्स द लॉ ऑफ ऑल द सोशल क्लासेज एंड मनुस्मृति रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ लोर्ड ब्रह्मा कह रहे इसको ब्रह्मा जी का जो संसार है उसका रिकॉर्ड इसमें रिखा गया है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है बताइए जल्दी बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है फटाफट बताओ बताइए जल्दी बताइए इसमें सही जवाब आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही है तो सी इज द करेक्ट आंसर ओनली वन केवल पहला सही है ठीक है एक मिनट अपने को रुकना पड़ेगा यार ठीक है एक मिनट अपने को रुकना पड़ेगा आप इसको देखिए कोई गेट पे है जस्ट आई द गेट एक सेकेंड रुकना चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे अब अगला है हमारे पास ऑफिस ठीक है तो ये चीफ मिनिस्टर हैं तो of है, of झारखंड तो kind of है, है तो है के बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंस गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है तो हो सकता है कि शायद जो है इनको जो पद है चीफ मिनिस्टर का वो त्यागना पड़े अब क्या है मुद्दा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये हम देख लेते हैं ठीक है अब ये इन ये क्यों फंसे कैसे फंसे तो इन्होंने बहुत सारे कोल ब्लॉक के जो एलोकेशन थे ना वो किए थे इन्होंने तो इन्होंने तो जो कोल ब्लॉक थे ऐसी कंपनियों को दे दिए जिसमें इनके खुद के स्टेक थे खुद के शेयर थे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उस चक्कर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, के केस में फंस गए हैं चलो पढ़ लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है सो दोस्तों सस्पेंस इन झारखंड एस शोरान में फेस डिस्कालिफिकेशन तो इनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है हेमंत कंटिन्यू एज झारखंड चीफ मिनिस्टर रिमेन अनसर्टेन एज द इलेक्शन कमीशन इज अंडरस्टूड टू हैव कन्वेड डिसीजन टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द गवर्नर रमेश ब्यास तो गवर्नर रमेश ब्यास को इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है माना जा रहा है इन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो हो सकता है हो ये हो जाए और ना रहे तो उसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है बाकी देखते हैं क्या होता है प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट माना जा रहा है कि दोस्तों उन्होंने जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों कंट्री लॉ डज नॉट क्लियरली डिफाइन वट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप देखो भारत के अंदर में कहीं पर भी किसी भी कानून के अंदर में साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद क्या होता है डेफिनेशन जो है वो अलग अलग समय पे कोर्ट की अलग अलग इंटरप्रिटेशन आई है ठीक है अलग अलग डिस्कशन हुए हैं तो उस पार्लियामेंट में तो उसके हिसाब से एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसके ऊपर एक डेफिनेशन जो है कॉमन डेफिनेशन जो है इसके ऊपर बनी है अलग अलग कोर्ट की जजमेंट के बाद इट हैज बिन इंटरप्रेटेड बी अब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या बोलें? किसको बोलेंगे तो कह रहा है इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ पोजिशन की कोई भी ऐसी पोजिशन दैट ब्रिंग्स टू द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन तो ये क्या थे दोस्तों चीफ मिनिस्टर थे कोल ब्लॉक के लोकेशन है वो ऐसी कंपनियों कर दिया जिनमें इनके खुद के क्या हैं स्टेक्स हैं

हो सकता है एक रुपए का भी हुआ हो एक करोड़ का भी हुआ हो अरबों का भी हुआ हो तो जो राशि है वो आपका यहां पर महत्व नहीं रखती दोस्तों ये बोला गया है 1964 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग डिटर अ पर्सन होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक है ये बात आप समझ लेना 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब एग्जांपल दे रहा है कि कैसा हो सकता है जैसे वेदर द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी और नॉट

जो है उसमें क्या कहा गया है कि एम पी और एन एम एल एम एल सी इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट of साफ साफ लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर 102 और 191 सौ में हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये कहीं कानून में लिखा नहीं है तो उसकी धारणा डेवलप हुई है अलग अलग कोर्ट की जजमेंट से ये कह रहा है कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल एक सौ क्लियरली कहता है कि भारत के अंदर कोई भी एम पी एमएलएमएलसी वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो नहीं करेंगे उनको अटेंड ये बात बोली है ऑफिस इन इम्यून टू द डिस्कालिफिकेशन बाय लॉ अनुच्छेद 102 सौ दो सौ इक्यानवे में प्रावधान है कि एक सरकारी पद पर आसीन विधायक की भी रक्षा भी करता है 102 सौ दो एक सौ इक्यानवे यदि विचाराधीन कार्यालय को कानून के द्वारा

ठीक है अब ये भी सुन लो भाई ऑफर चल रहा है तो आप जाके आज लास्ट डेट है दोस्तों तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो जिनको करना है अगली चीज है दोस्तों अर्थ गंगा तो स्टॉक होम के अंदर में ना एक कन्वेंशन हो रही है पहले एक प्रोग्राम था नमामि गंगे नमामि गंगे के अंदर बात की गई कि गंगा नदी को साफ करो लोगों को जोड़ो लोगों को इस मुहिम में लेकिन हमारे देश के लोग जो है ना वो रोकड़े से संबंधित बात को समझते हैं और कोई बात जो है थोड़ी सी कम बुद्धि में जाती है हमारी में है ना तो फिर बाद में मोदी जी ने नमामि गंगे का कॉन्सेप्ट छोड़ के ना अर्थ गंगा का जो है कॉन्सेप्ट अर्थ मतलब अर्थ अरे वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स तो वो कहा उन्होंने कहा कि लोगों की इकोनमी को जोड़ दो आप लोगों की अर्थव्यवस्था को जोड़ दो गंगा नदी से ठीक है अब उनकी जब आजीविका इससे जुड़ेगी तो अगर गंगा मैली होगी तो उनकी आजीविका खतरे में आएगी तो फिर वो मैली होने देंगे नहीं तो दिमाग लगाया मोदी जी ने यहाँ पे उन्होंने कहा कि सफाई वफाई का तुम बोलोगे कुछ नहीं करने वाले तुम लोगों की जीडीपी को वहां जो रहते हैं जो उसके आसपास गंगा नदी के किनारे में उनको इससे जोड़ दो तो जब उनको पता लगेगा कि हमारी आजीविका खतरे में गंगा नदी के खराब होने से तो अपने आप कर लेंगे ठीक है तो अभी भारत के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टॉक होम के अंदर गए थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया है व्हाट इज अर्थ गंगा गवर्नमेंट न्यू मॉडल फॉर द रिवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुद्दा यह है अशोक कुमार जो डायरेक्टर जनरल हैं किसके दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के उन्होंने अर्थगंगा के बारे में बोला अर्थगंगा मॉडल के बारे में बोला है कहां पर जाके बोला है दोस्तों वर्ल्ड वाटर वाटर वीक 2002 ये हर साल होता है तो के के बाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है और हर साल जो है एवरी ईयर जो है ये होता है और इसमें मुद्दा क्या होता है दोस्तों ग्लोबल वाटर कंसर्न कि दुनिया के अंदर में पानी से संबंधित जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे बात होती है सर आपने पीडीएफ नहीं दी आपने सुबह शिवजीत दुबे मैं फिर कह रहा हूं यार देख लो पीडीएफ दे चुका हूं ऑलरेडी ठीक है भाई पीडीएफ आई है कि नहीं अभी जो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आई है चार नोटिफिकेशन से पहले जाके देखो ऑलरेडी पीडीएफ दी है उनको ओपन करो आज और जो कल पढ़ाया था दोनों उन पीडीएफ के अंदर है एक बार जाके चेक कर और फिर बात करियो भाई पूजा चौहान क्लास होगी पहले इसको खत्म करूं कि नहीं करूं या इस क्लास में भी रहूं और उस क्लास में भी चला जाऊं ऐसा कर लूं शक्तिमान हूं मैं हैं भाई बताओ होगी यार थोड़ा सब्र किया करो थोड़ा सा रुक जाओ अभी इसको खत्म कर देते हैं फिर चलेंगे तो अशोक कुमार जो है डायरेक्टर जनरल थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के उन्होंने अर्थ गंगा मॉडल के बारे में बोला ड्यूरिंग अ वर्चुअल एड्रेस किसके स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में 1991 से जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है हर साल इसको ऑर्गेनाइज करता है इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर वीक को दोस्तों और इसमें जो ग्लोबल वाटर हैं जो स, पानी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा हर साल होती है अब ये अर्थगंगा का मॉडल क्या है पहले मैंने बताया था कि मोदी जी पहले जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना ठीक है वो अलग था नमामि गंगे ठीक है बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे बात नहीं होने कुछ और लाना पड़ेगा तब उन्होंने कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस किया दो में मोदी जी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग इन कानपुर इन 2019 पीएम मोदी ने पहली बार इस दो को 2019 के अंदर में कानपुर के अंदर जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक थी उसके दौरान इसको लेके आए बाहर उन्होंने कहा कि नमामि गंगे से बात नहीं बनेगी भाई ठीक है ये नमामि गंगे छोड़ दो अर्थ गंगा पे आओ और अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों अर्थशास्त्र ठीक है क्या है अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था से जोड़ दो लोगों की आर्थिक स्थिति से जोड़ दो फिर अपने आप लोग जो है वो देखेंगे भाई अगर मेरा आजीविका जुड़ी होगी किससे गंगा नदी से तो मैं क्यों गंगा नदी को जो है गंदा होने दूंगा मुझे पता है है अगर गंगा नदी जो है गंदी होती है पोल्यूटेड होती है तो मेरी आजीविका खतरे में आ जाएगी तो मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा फिर मैं उसी हिसाब से काम करूंगा है ना द लेटर फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब जो ये अर्थ गंगा है इसका जो मेन जो मुद्दा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है ंगा एंड इट सराउंड एरिया है करती। ये तो साफ, साफ 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 सफाई 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 लेकिन दूसरे में कहा गया कि नहीं भाई आर्थिक जो स्थिति है उससे जोड़ो आपकी इकॉनॉमी से जोड़ो आप जब इकॉनॉमी से जोड़ोगे तब इन लोगों को अकल आएगी और तब जाके गंगा को साफ करेंगे और मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना सफाई वफाई कोई कुछ नहीं करेगा लेकिन आपको अगर पता चले अगर सफाई नहीं की तो मेरी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो सब कुछ करोगे आप ठीक है तो मोदी जी ने लगाया दिमाग मौके मर दिया चौक का अब क्या है मुद्दा अर्थ गंगा के अंदर द अर्थ गंगा मॉडल सीक टू यूज इकोनॉमिक्स टू ब्रिंग पीपल्स विद द रिवर इसमें मेन मुद्दा कहा गया है कि इसके अंदर में जो पैसे की बात जो है उसको मेन थीम बनाया गया है कहा गया है कि इकोनॉमी का इस्तेमाल करो लोगों को और नदियों को जोड़ दो मतलब लोगों को ना अर्थव्यवस्था की टर्म्स में जोड़ दो किसी नदी से मतलब लोगों का फायदा दिखाओ कि गंगा नदी साफ रहेगी तुम्हारा फायदा है ठीक है सो so, अर्थ गंगा मॉडल में लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करना जो है यू, यू, यूज किया गया है इट्स ट्राइज टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट थ्री परसेंट ऑफ द जीडीपी फ्रॉम द गंगा बेस इन इट सेल्फ

अंडर अर्थ गंगा द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द सिक्स वर्टिकल्स छह अलग अलग वर्टिकल के ऊपर में जो है यहां पे काम कर रही है सरकार पहला कर रही है द फर्स्ट इज जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग सरकार कह रही है कि देखो गंगा नदी के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको सख्त हिदायत दो ठीक है उनको मोटिवेट करो कि वो केमिकल फर्टिलाइजर की वत, जो है खेती वो ना करें वो जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग करे गोबर धन स्कीम के तहत में जो गोबर से जो जैविक खाद बनती है उनका इस्तेमाल करें इससे क्या होगा सर देखो आप जो केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हम यूज करते हैं ना केमिकल खेती जो करते हैं तो होता क्या जब आप ये अपने फसलों में छिड़काव करते हो तो फसल कुछ ही हिस्सा एब्जॉर्ब कर पाती है बाकी सारा बारिश के अंदर में कल मैंने बताया लिक्विड नैनो यूरिया में पचहत्तर यूरिया ऐसे ही खराब होता है फिर वो बारिश में पानी में बह के नदी में चला जाता है और उससे नदी में यूट्रोफिकेशन की समस्या होती है न्यूट्रिय एनरिचमेंट एलगल ब्लूम एंड डेथ ऑफ द वाटर इकोसिस्टम तो उसको रोकना पड़ेगा तो इसीलिए सरकार ने कहा है मोदी जी ने कहा है कि भाई बजट जो है पहला हम जो मॉडल है इसके अंदर हमें लोगों को ना ठीक है मोटिवेट करना है है कि जो गंगा नदी है, इसके दोनों साइड में कम से कम दस किलोमीटर के आसपास जो लोग रहते हैं ना आप उनको कहो कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत करो आप जैविक खाद का इस्तेमाल करो गोबर्धन स्कीम के तहत में जैविक खाद का इस्तेमाल करो ठीक है अंडर द गोबर्धन स्कीम आगे बढ़ा

जो स्लज हमारे पास होता है उसको रीयूज करो रिसाइकिल करो उसको दोबारा इस्तेमाल करो इट सीक्स टू रिज रीयूज ट्रीटेड वाटर फॉर इरीगेशन इंडस्ट्रीज एंड रिवेन्यू जनरेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज ये काम करो लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज लोगों को ना लोगों की लाइवलीहुड को जोड़ दो उनसे आजीविका को जोड़ दो उनसे है ना बाय क्रिएटिंग हीट हार्ट जैसे गंगा नदी है उसके दोनों तरफ हार्ट लगा अब नदी साफ सुथरी रहेगी अब मान लो किसी ने गंगा नदी के किनारे पोटी कर रखी है तो हाट तो लगेगी नहीं आप गंगा नदी किनारे आप हाट लगा दो वहां योगा कराओ ठीक है लोग अपना सामान बेचेंगे तो साफ सफाई भी रखेंगे ना तो ये बात बोली गई है कि यहाँ पर आजीविका सर्जन के अवसर बनाओ हार्ट बना दो यहाँ पर ताकि लोग जो है यहाँ पर अपने लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेडिसिनल औषधियां पौधे हैं और आयुर्वेदिक चीजें हैं जो वो बेच सके यहाँ पर ठीक है ये भी बोला गया बोला गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो लोगों को इंक्लूड करो इसके अंदर में ठीक है तभी बात बनेगी जन भागीदारी के बिना कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती है प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड हैरिटेज एंड टूरिज्म ऑफ द गंगा एंड सराउंडिंग हमें गंगा और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा गंगा नदी से संबंधित टूरिज्म को बढ़ाओ ठीक है संस्कृति हमारी गंगा जुड़ी है लोगों लेके आओ उनको बताओ ऐसा 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 फलाना डिमकाना तब वो समझेंगे साथ साथ में वहाँ पर बोट टूरिज्म कराओ एडवेंचर स्पोर्ट्स कराओ वहाँ पर एंड कनेक्टिंग योगा एक्टिविटी योगा एक्टिविटी कराओ प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय एम्पावरिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंप्रूव वाटर गवर्नेंस वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पंचायत है या अर्बन लोकल बॉडीज है उनको मजबूत करो स्ट्रॉन्ग करो सुदृढ़ करो ताकि वो भी जो है इसके अंदर में कुछ अच्छा कर सके ठीक है तो ये था टॉपिक टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया फटाफट से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में ओके okay, की रिपोर्ट करो क्लास होगी बट थोड़ी डिले होगी भाई क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं होगा ठीक है मैं उसको नहीं कर पाऊँगा ठीक है टेलीग्राम से जुड़ जाओ यार टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा ठीक है बाकी पीडीएफ जो है वो भी मैं दे चुका हूं एक बार फिर से मैं तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर देता हूं मुझे पता है तुम ऐसे ही घरियाओगे नहीं तो मेरे को तुम क्या है ना देखते हो नहीं ठीक है और फिर बोलते हो सर पीडीएफ नहीं मिलती हमें ये देखो मैंने फिर से पीडीएफ तुम्हें फॉरवर्ड कर दी है ठीक है प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स ये हो गया अब बात करते हैं लेबर कोड एम्पावर वर्कर प्रधानमंत्री ने कहा है ठीक है तो अभी मीटिंग हो रही थी 25 से 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो भारत के अंदर में पहले बहुत सारे लेबर लॉस थे बहुत सारे कानून थे ठीक है 40-50 के आसपास कानून थे अभी जब ये सरकार आई ना तो सरकार ने कहा कि यार दो के बाद में कि ठीक है भाई हम इन सारे पुराने जो कानून थे ना पहले क्या था भारत के अंदर में कोई कंपनी आती थी ना उसके सरदर्द हो जाता था कि भारत में लेबर लॉ इतने ज्यादा थे आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम के लेबर लॉस थे इंडिया में भाई जो कंपनी आती है कंपनी काम करती है लेबर हायर करती है तो कानून के हिसाब से ही तो होता है तो भारत के अंदर में इतने सारे लेबर लॉस थे पूछो मत तो सरकार ने कहा कि यार इससे ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस जो है वो आ नहीं रहा बहुत सारे लॉस के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं हर कंपनी उनको फिर पूरा भी नहीं कर पाती फिर उन पर फाइन लगता है तो अल्टीमेटली बिजनेस एनकरेज नहीं होता तो एक काम करते हैं इन सारे कानूनों को चार कोड में बदल देते हैं मतलब जो भी ये कानून है इनको चार कोड में बदल देते हैं और वो काम जो है अब सरकार ने किया है सक्सेसफुली इतने सारे कानूनों को केवल चार कोड में बदल दिया है तो अभी मोदी जी ने इसके ऊपर कहा है कि इससे लोग भी एम्पावर में होंगे ठीक है लोगों को रोजगार मिलेगा अच्छा और जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी ये क्या है फायदे का सौदा है दोस्तों लेबर कोड एम्पावर वर्कर इससे जो वर्कर है वो भी <laughs> एम्पावरमेंट उनका हुआ है लेबर कोड एम्पावर वर्कर द हिंदू के अंदर में टॉपिक आया हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि सेंटर है टेकन इनिशिएटिव टू द लॉस फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्लेबरी गुलाम थे ना उस समय के कानूनों को हमने बदला है ठीक है क्योंकि वो कानूनों के अंदर में गुलामी की मेंटालिटी जो है वो साफ साफ दिख रही थी द कंट्रीज वॉज नाउ चेंजिंग भाई देश बदल रहा है इसीलिए हमने जो लेबर कानून है वो भी हमने क्या कर दिए हैं दोस्तों बदल दिए हैं उनका कहना है कि इससे एम्पावरमेंट होगा हमारे वर्कर्स का ठीक है मैं ये हिंदू में भी मिनिमम ही लिखा हुआ है मैंने चेक किया खुद मुझे लगता है पर मैक्सिमम लिखना चाहिए था उनको तो कहता है है कि जो वर्कर है उनको मैक्सिमम वेज मिलेगा जॉब की सिक्योरिटी रहेगी सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी रहेगी वर्कर्स को और इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि हमने काम किया है अब ये लेबर कोड है क्या मैं आपको बता दूं दोस्तों भारत के अंदर में 44 लेबर लॉस थे 44 लेबर लॉस थे अब इन 44 लेबर लॉज को हमने चार कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर दिया और हमने बोल दिया कि हम चार कोड बना रहे हैं चार लेबर कोड हम यहां पर बना रहे हैं पहला जो लेबर कोड है हमारा वो है द कोड ऑन वेजेस दो में हमने बनाया था तो जितने भी वेज वेजुआ तनख्वा से या आपकी जो दिहाड़ी से संबंधित थे वो सारे के सारे हमने एक में डाल दिए इट एम्स टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट एंड प्रोवाइड इक्वल रिमोन टू एम्प्लॉय परफॉर्मिंग वर्क किसी भी व्यापार में व्यवसाय है उसमें समा, अगर एक जैसा काम है तो उसमें वेतन भी एक जैसा होना चाहिए तो उसको रेगुलेट करने के लिए वेज कोड कोड ऑन वेजेस 2019 हजार उन्नीस हमने लागू किया फिर हमने दूसरा कोड बनाया द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑन दी वर्किंग कंडीशन 2020 ये 2019 में 2020 में अब देखो यार जो वर्किंग कंडीशन होती है मान लो तुमने मजदूर तो रख लिया है ना तुम हमारी कंपनी भी है बट उसके जैसे ढाका के अंदर में कपड़े की मिल में आग लगी थोड़े दिन तो उसमें भी मुद्दा उठा था कंडीशन कैसी है जहां पर जो है काम करा रहे हो क्या वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन है लाइट आती है जो मजदूरों की सेफ्टी सुरक्षा है या नहीं है तो उसके लिए हमने बहुत सारे कानून थे तो उनको हमने एक कोड में बदल दिया जिसका हमने नाम रखा था कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर संहिता 2020 हजार बीस ये दस या 10 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान जिस कंपनी के अंदर जिस एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये लागू होता है सभी खानों में डाक में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करने का प्रयास है इट सीक्स टू रेगुलेट द हेल्थ एंड सेफ्टी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों हमने ये कोड जो है स्थापित किया दो के अंदर फिर एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी दो अब ऑब्बियस बात है आप जिंदगी भर तो काम कर नहीं पाओगे है ना एक उम्र में आपको रिटायरमेंट भी लेना पड़ेगा फिर उस काम में आपको पैसा कहां से आएगा तो इसीलिए पीएफीएफ कटता है वो सब वो सब इसी के अंदर होता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी दो हजार बीस इट कंसोलिडेट नाइन लॉज रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी एंड मेटर्निटी बेनिफिट ठीक है भाई सामाजिक सुरक्षा संहिता इसके अंदर सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित नौ कानूनों को समय के अरे मैं क्या बोल रहा हूं ना यार देखो भारत में चौवालीस अलग अलग कानून थे कुछ कानून जो थे, वो वेत, वेतन और भत्ते की बात करते थे कुछ कानून जो थे वो वर्क प्लेस पे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते थे ठीक है कुछ कानून जो थे वो आपका सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा की बात करते थे इंश्योरेंस मेटर्निटी बेनिफिट ठीक है उसकी बात करते थे और कुछ ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन मालिक वर्कर यूनियन इनके बीच में कैसे संबंध होंगे इनकी बात करते थे तो हमने क्या किया इन चौवालीस कानूनों को ना हमने चार लेबर मजा आ गया ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 में ही आया था ये भी दोस्तों इट सीलेट थ्री लेबर लॉज एंड इंप्रूव द बिजनेस एनवायरमेंट इन कंट्री लार्जली बाय रिड्यूसिंग हमने तीन श्रमिक कानूनों को इकट्ठा कर दिया है इससे होगा क्या कि औद्योगिकों के उद्योगों के श्रम अनुपात बोझ को कम करने के लिए और देश के अंदर में कारोबारी माहौल बनाने के लिए हमने जो है इसको पास किया है समझ में आ रही बात समझ में आ रही बात दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में कर दो ओके की रिपोर्ट है सर समझ आ रही है बड़ा हो गया क्या आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि लेट हो गया काफ़ी मतलब लंबा हो गया है ना आई नो दैट आपको लग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं भाई ऑफर चल रहा है निकेडमी का जाओ यार ठीक है छाप दो फटाफट से बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 थोड़ा पानी पीना पड़ेगा यार मेरे को बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 तो देश के अंदर में आपको पता ही आप तो हम इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे के अंदर में आपको पता है दोस्तों भारत में बहुत सारी बैटरियाँ आयात भी होंगी भारत में बहुत सारी बैटरियों का मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और कुछ समय के बाद में जब ये बैटरी खराब हो जाएगी तो इन बैटरियों को डिस्कार्ड भी किया जाएगा है ना तो हमने सोचा कि भारत के अंदर में आगामी समय के अंदर में ना बहुत ज़्यादा बैटरी वेस्ट जो है वो बनने वाला है तो ऐसे में उस बैटरी वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा तो सरकार ने इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया कि मतलब जो बैटरी बनाएगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि जो बैटरी का वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसको कलेक्ट किया जाए और अगर वो उसको कलेक्ट नहीं करेगा तो पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल के हिसाब से उसके ऊपर में क्या लगेगा फाइन लगेगा सरकार ने नियमों के तहत में ये भी डिसाइड किया कि देश के अंदर में हम अलग अलग जो है और भी ऐसे वर्टिकल बनाएंगे जिसके अंदर में जो बैटरी है उसको जो है आपका क्या किया जाए बैटरी वेस्ट को मैनेज किया जाए बैटरी में से जो जो काम की चीज है वो निकाल लिया जाए क्योंकि भारत के अंदर में देखो ऐसे वो मटेरियल मै है नहीं जिनसे हम बैटरी बना सकें हमने बोलीविया के साथ एग्रीमेंट कर रखा है बाकी देशों पे हम निर्भर हैं सरकार कह रही है कि ऐसे मटेरियल जो री हो सकते हैं उनको इन बैटरियों से निकाल लो रिसाइकिल करो ताकि जो हमारी इम्पोर्ट नए मटीरियल नई बैटरियों के लिए जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी क्या हो जाए कम हो जाए है ना तो ये सब सरकार ने यहां पर किया है तो चलिए इसको पढ़ लेते मैनेजमेंट रूल, रूल, रूल है उसको नोटिफाई कर दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट पब्लिश द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 24 अगस्त 2022 को हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप में ध्वनि प्रबंधन को ध्वनि प्रबंधन थोड़ी ना यार साउंड एनवायरमेंटल होगा ना हमने कहा है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल पब्लिश किए हैं 24 तारीख को 24 अगस्त को ताकि जो बैटरी से जो वेस्ट जनरेट होता है उसका साउंड अच्छे तरीके से एनवायरमेंटल तरीके से उनका आप मैनेजमेंट कर सको न्यू रूल विल बी रिप्लेस बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल दो कह रहा है कि ये जो नए कानून बने हैं ना 2022 वाले ये पुराने कानून को रिप्लेस कर देंगे और पुराना कानून क्या था दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ठीक है नए नियम नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग 2001 की जगह ले लेंगे अब ये रूल है क्या देखो नए रूल जो है ना इट विल रिप्लेस द बैटरी मैनेजमेंट ऑफ हैंडलिंग रूल पहले बता दिया द रूल कवर ऑल टाइप ऑफ बैटरीज इसमें सारी बैटरियों की बात हमने की है इलेक्ट्रिक बैटरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पोर्टेबल बैटरी जो आप लगा लेते हो हटा लेते हो ठीक है ऑटोमोटिव बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल बैटरी हर प्रकार की बैटरी का जो है इसमें कवर किया गया कोई भी प्रकार की बैटरी हो, सब इस रूल में हमने इंक्लूड की है रूल फंक्शन बेस्ड ऑन ईपीआर ईपीआर मतलब होता है मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सिंपल मतलब इसका कि जो उसको बना रहा है प्लास्टिक वेस्ट में भी यही था ईपीआर का concept, मतलब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि उससे संबंधित जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाए वेस्ट कलेक्शन का भी काम उसी का है तो ईपीआर के ऊपर ये निर्धारित है ठीक है और अगर कोई मान लो नहीं कलेक्ट करता है भाई बैटरी मैं, मेरी कंपनी है जो बैटरी बना रही है और जो वेस्ट है मैं अगर मान लो उसको कलेक्ट नहीं कर रहा तो मेरे पे फाइन लगेगा अगेन ये कौन सा प्रिंसिपल है पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है इंपोर्टर जो होंगे मान लो जिसने बाहर से इम्पोर्ट किया वो कहेगा तो बैटरी दो बार है मैंने तो इम्पोर्ट किया तो हाँ उसको उसका वेस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्शन रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट बैटरीज एंड यूज ऑफ रिकवर्ड मटीरियल फ्राम द वेस्ट हमें जो वेस्ट बैटरी है ना इनसे मेटीरियल जो है उनका भी इस्तेमाल करके नई बैटरीज बनानी है द रूल विल एनेबल सेटिंग अप ऑफ मेनिज्मण्ड सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्सचेंज ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट सरकार ने बोला है कि भैया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सर्टिफिकेट बांटने के लिए हम एक नई पोर्टल बनाएंगे जिस पोर्टल के ऊपर हम सर्टिफिकेट देंगे भाई जिस कंपनी को अपने टारगेट पूरे करने हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट जो है वो परचेज भी कर सकते हैं तो ये ट्रेडेबल बिजनेस होगा मान लो एक रिसाइकिलिंग कंपनी हमने बना दी जो इसका काम है रिसाइकिल करना वो रिसाइकिल कर रही है तो वो सर्टिफिकेट अर्न करती है तो जिस कंपनी को ईपीआर पूरा करना है तो वो उसे सर्टिफिकेट खरीद लेगी डायरेक्ट है ना उसको पैसा दे देगी तो उससे उसकी ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी द रूल प्रमोट सेटिंग अप ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रीनियोरशिप इन कलेक्शन एंड रिसाइकिल रीफर्मिशमेंट एंड ऑफ द वेस्ट बैटरीज Prescribing the use of certain amount of recycled material, बोला गया कि जो हमारे कुछ ऐसा है जो रिसाइकिल मेटीरियल उसको यूज करो ठीक है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है नए रॉ मटेरियल पे कम होगी हमारे नेचुरल रिसोर्स जो है वो सेव होंगे आपको पता है दोस्तों हमारे देश के अंदर में वैसे ही बैटरी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स नहीं है कहा गया कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल एनवायरमेंटल कंपनसेशन विल बी इंपोज ऑन नॉन फुलफिलमेंट भाई जो अपनी ईपीआर के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर में क्या लगेगा फाइन लगेगा तो उनको वो फाइन जो है वो भरना पड़ेगा ठीक है ये ये बात भी पर बोली है। batteries. अब ये जो फंड से जो पैसा आएगा फाइन का पैसा आएगा इसका फिर इस्तेमाल किया जाएगा उन बैटरियों के लिए जिनको रिसाइकिल नहीं किया गया था ठीक है ये बात आप यहां पे समझ लो <coughs> इसको कल वाले टॉपिक में कवर कर लूँगा ठीक है इसको कल वाले टॉपिक में कवर करेंगे अभी मेरी ज्योग्राफी क्लास है इसलिए एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ अभी कल इसको पढ़ा दूंगा मैं अन अकेडमी अनलॉक ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ है दोस्तों जाओ फटाफट ले लो अभी आप यूज़ करोगे मेरा कोड सुमित टेन बारह बजे तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो मेरा जो है सजेशन है कि आप जाके कर लो और करना दो साल का चाहे एक करो चाहे दो साल का ये करो प्लस करो इस इसपे आपको एक साल का क्या मिलेगा फ्री मिलेगा तो देखो यार दो साल पे ऑलरेडी यहां पे अगर हम देखें तो तेईस हजार रुपए का चौबीस हजार रुपए का डिस्काउंट है और एक साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब तिरसठ का डिस्काउंट और तो अच्छा खासा डिस्काउंट आ गया मतलब मेरे हिसाब से नब्बे हजार रुपए का डिस्काउंट अभी पड़ रहा है दो साल के सब्सक्रिप्शन पे तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए दो साल का आप लेते हो दोस्तों तो एक साल का आपको फ्री मिलता है कोड याद रखना बस आपके पास कोई भी कॉल आए कोई भी कहे तो आप साफ बोल दो कि कोड यूज़ करेंगे सुमिट टेन ठीक है अगर वो नहीं करते हैं कोई दूसरा कोड बताते हैं सजेस्ट करते हैं आपको फॉर्म में दूसरा देते हैं तो बी अवेयर बी ऑफ दीज थिंग्स वो आपके साथ एक फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है फिजिकल नोट्स अब के बाद आज के बाद आपको सिर्फ आइकॉनिक पे मिलेंगे आपको प्लस पे नहीं मिलेंगे दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं एक तो आइकॉनिक और एक होता है प्लस दोनों में बच्चों ध्यान रखना है मेरा कोड मेरा कोड है सुमित ठीक है आप मेरा कोड लगा के ही सब्सक्राइब करना आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट आपको एक्स्ट्रा मिलती है जो उसमें नहीं मिलती ये अकेला जीएस का प्राइस है ये जीएस प्लस का है जीएस आइकॉनिक ये प्राइस है जब आप मेरा कोड लगाओगे सब पे टेन डिस्काउंट मिल ही जाएगा बट अभी जो है ये वाला ऑफर बेस्ट है यार क्योंकि अभी इस पे मिल रहा है क्या दोस्तों ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉम्बो पे ये कॉम्बो का है कॉम्बो मतलब क्या होता है दोस्तों कॉम्बो मतलब होता है जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ बता दू दो दोस्तों जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ऊपर एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है उस फॉर्म को भर दीजिए मैं आपसे बात करूंगा मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लेकिन भरना वही जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है खाम खाल अपना भी समय वेस्ट मत करना और ना मेरा नहीं तो फिर बार बार फोन आएंगे तुम्हारे पास तुम्हें पता है ना ठीक है चलिए ना ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर जय हिंद मिलते हैं दोस्तों सात मिनट के बाद अपनी जोग्राफी क्लास में बाय